और वो राय इस तरह बनी है कि वो मुख्तलिफ और भी लोगों को सुनते हैं, उलमा को सुनते हैं। तो एक तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो साहिल भाई मैं चाहूंगा कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था डेनियल हकीकत जू की हम पोस्ट को डिस्कस कर लें। वो बड़े एक लर्नड स्कॉलर हैं और क्योंकि वो वेस्ट में भी रहते हैं, वो इस मेरे ख्याल में इस मसले को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनकी उनके इर्द गिर्द जो है ना वो सर्कल इस किस्म के लोगों का है जिनको ये वाकई में इश्यू फेस करना पड़ता है। हम तो चले एक मुस्लिम सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें शायद इतना मसला ना हो, उनको वो फेस करते हैं तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदर देन दैट और भी हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमें वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स आए हुए हैं और जो कमेंट्स की सूरत में आए हुए हैं यूट्यूब की वीडियोस पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो कीनली सुने इस सेशन को, अपने क्वेश्चन जो है वो कीप नोट कर लें, वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक इंटरेक्टिव सेशन रख लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग सेशन हम क्वेश्चन नहीं लेंगे। आप कमेंट्स में अपने पोस्ट करते जाएं, मैक्सिमम पॉसिबल हम कोशिश करेंगे हम वो ले लें। सर भाई स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट उसी क्वेश्चन से करना चाहूंगा, लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी मेरी क्रिसमस वाले टॉपिक पे, उस पे मैं को आवाज आ रही समराइज कर मेरी? दूंगा। जी, आपकी जी, आवाज बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही। मैं समराइज कर देता हूँ। आपका ओपिनियन ये था कि मेरी क्रिसमस विश करने से जो अल्लाह सुब्हानहु तआला की ब्लैस्फेमी नहीं हो रही, और उसकी रीजन आपने ये दी थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किसी न किसी दिन तो हुई है, जिस तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, और विदाउट गोइंग इनटू डिस्कशन कि वो सुन्नत है, फर्ज है या फिर मुस्तहब है, नहीं है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह अगर ईसा अलैहिस्सलाम की भी बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया जाता है तो इससे हम ये नहीं मान लेते कि वो अल्लाह सुब्हानहु तआला की ब्लैसफेमी से हो रही है, या हम इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला के बेटे हैं, वो भी हमारे नबी हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी हैं। तो वो ब्लैसफेमी का जो सब्जेक्ट है बिल्कुल फर्क है। लेकिन मैंने जिन लोगों को, थोड़े बहुत लोगों को देखा है, मतलब डेली हकीकत जो हो गए हैं और यहाँ पे जो हमारे यूथ में एक शख्सियत ने राजा जियाउल हक, उनकी मैंने वो एक वीडियो देखी, तो उसमें उन्होंने जो आर्गूमेंट्स बिल्ड किए हैं वो कुरान की उन आयात को लेकर किए हैं जो कि डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं इस इशू के, अल्लाह सुब्हानहु तआला को ये बात कितनी नापसंद है कि उनके किसी को उनका बेटा कहा जाए और वो अल्लाह ताला पे बोतान बांध रहे हैं। इन तमाम आयात को उन्होंने कोट किया है, इस वजह से हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं डेली हकीकत जू की पोस्ट से, वन बाई वन 7 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में टॉपिक कवर हो जाएगा। व्हाट यू से? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई। आपने मुझे नुकता तो बताएं कि कोई भी आलिम, आपने कोई कोई भी किसी भी आलिम ने जो भी बात की है क्रिसमस के ऊपर, मसला जी क्या है? जी मैंने व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट किया अंकल? आर्गुमेंट ये है, चले आर्गुमेंट डिस्कस करते हैं वन बाय वन। डेनियल हकीकत जो ये कहते हैं कि नंबर वन पॉइंट इज कि आप ब्लैस्फेमी कर रहे हैं अगेंस्ट अल्लाह सुब्हानहु ताला, ठीक है, और वो कुरान की आयत कोट कर रहे हैं, एंड दे से द मोस्ट मर्सीफुल हैज टेकन फॉर हिमसेल्फ अ सन, श्योरली यू हैव मेड अ मॉन्स्ट्रस स्टेटमेंट। तो ये हाउ इज इट ब्लैस्फेमी अगेंस्ट अल्लाह सुब्हानहु ताला, इज इट और इज इट नॉट? देखिए, पहले तो पहले मैं भाई 1 मिनट के अंदर आपको बता दूं कि मैरी क्रिसमस कहना जो है ना, ठीक मैं है, उसके हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी भी नबी की बर्थडे मनाने के हक में नहीं हूँ। अल्लाह ताला के अंबिया खुद बताते हैं कि उनकी बर्थडे मनानी चाहिए कि नहीं। अगर उन्होंने कहा है नहीं मनाओ तो नहीं मनाओ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि इस्लाम में बस दो त्यौहार है और कोई त्यौहार नहीं है इस्लाम में बस। अब ठीक आप है, रही बात कि मैरी क्रिसमस कहना किसी क्रिश्चियन को कह देने से आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं कि नहीं, तो आइडियली तो यू शुड नॉट बी सेइंग मैरी क्रिसमस, यू शुड नॉट इवन बी सेइंग ईद मिलादुन्नबी, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। बट आई फॉर मी इट्स द सेम थिंग। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा के बारे में कहा, जब यहूदी रोजा रखते थे 10वीं मुहर्रम का, आपको पता है 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं का रोजा क्यों शुरू हुआ? नबी अलैहिस्सलाम ने इस वाक्य की तफसील अपनी खुद सुन्नत कायम करके बताई कि यहूदियों से पूछा कि 10वीं मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त ये हजरत मूसा को जब कोहे तूर से वापसी पर इन्होंने 10वीं मुहर्रम को रोजा रखा था, तो हजरत मूसा ने, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा मूसा के ऊपर तुम्हारे से ज्यादा हक है, ही बिलोंग्स टू मी मोर देन ही बिलोंग्स टू यू। तुमने तो तब्दील ही कर दिया, ऊपर से अंबिया के एक अलग से एक जो है ना उनकी अपनी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर अंबिया की तो एक अलग
अब मैं क्या उस सिलसिले में जाऊं। बहरहाल आप सबको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब कह दिया है कि मेरा मूसा पे ज्यादा हक है, तो हमने फिर तस्सीम मुहर्रम का रोजा हमने भी शुरू कर दिया नबी अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से। अब हजरत ईसा के ऊपर क्यों हक नहीं है हमारा, मुझे ये बताएं आप, हजरत ईसा की बर्थडे क्यों नहीं मनाते? चले छोड़े कि वो अल्लाह के बेटे थे कि नहीं थे, हमें पता ही नहीं थे ना, हमारे नबी तो है ना, हमारे नबी हैं, हम अपने नबी की बर्थडे मनाते हैं। हजरत मूसा की वजह से दसवीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं, हजरत ईसा के लिए क्या करते हैं, हम ये बताएं। नहीं, आर्गुमेंट ये है इसमें कि तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि जो नबी इसमें बर्थडे मनाते हैं ना, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आता हूँ आपके पहले पॉइंट पे। जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बर्थडे मनाता है, 12 रबीउल अव्वल को त्यौहार मनाता है, उसको ये हक क्या है, वो कैसे कह सकता है कि मैं ईसा की मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा? नहीं, इसके इस आर्गुमेंट इसके खिलाफ जो आर्गुमेंट जाता है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आवाज आ रही है आपको? हम जी आ रही है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ठीक है, और हमारे पास 9, 9वीं, 12वीं और 17वीं की डेट्स हैं। ये अलग बहस है कि रसूलुल्लाह की बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रसूलुल्लाह की बर्थडे के अलावा किसी और नबी की बर्थडे को आपको आवाज सेलिब्रेट आ नहीं रही करते। है? जी आ रही है आपकी बात, लेकिन आपकी जी जी आवाज आपकी क्लियर आ रही है। वीडियो पॉज होगी। हम किसी और नबी की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन स्पेसिफिकली जब हजरत ईसा अलैहि सलाम या फिर हम से कह लें कि क्रिश्चियंस को जब हम विश करते हैं मेरी क्रिसमस, तो वो तो जो उन्होंने डेट मुख्तस की है वो ईसाइयों ने मुख्तस की है ना, 25 दिसंबर की डेट उन्होंने मुख्तस की है, और उस 25 दिसंबर को वो जिस नबी की वो बर्थडे बनाते हैं वो उसको अल्लाह का बेटा समझते हैं, बिगॉटन सन समझते हैं, तो उसी तारीख को उनको विश करना, तो फिर तो आप उन्हीं के जो नजरिया है उसको तकवीयत दे रहे हैं ना, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एक अमूमी जो लोगों के जहन में ये अशकाल पैदा होता है या सवाल पैदा होता है कि उसी दिन पे उनको ईसा की पैदाइश मैरी क्रिसमस विश करना, तो ये तो फिर आप साहिल भाई जो है ना वो ड्रॉप हो गए, उनका कुछ सिग्नल ड्रॉप हो का कोई गया, लगता है इशू है। सिग्नल का इशू है। ऑलराइट, हाँ, मेरे ख्याल से मैं वैसे ना ये बात एग्री करूँगा कि मैंने डॉक्टर जाकिर नायक को भी सुना है, उनका भी यही ओपिनियन है, और इसी तरीके से डैनियल हकीकतजू का भी यही है, और इसी तरह मल्टीपल और भी स्कॉलर्स है उलमा, उनका यही राय है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा साहिल भाई आए तो इसको थोड़ा सा अपना पॉइंट क्लियर कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि साहिल भाई ये कह रहे हैं कि वो मैरी क्रिसमस कहना और मनाने को वो नहीं कह रहे कि एंडोर्स नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं उससे कहने से ब्लास्फेमी नहीं होती, उनका ये ओपिनियन है। तो उस बात को अभी वो वापस ज्वाइन करते हैं तो मैं उनसे हम चाहेंगे कि वो आगे इसको क्लियर करें। तंजील, तुम तब तक ये क्वेश्चन करना, मैं बाकी क्वेश्चंस को भी देखता हूँ ताकि हम वो कर लें। अच्छा, आप लोग चैट पे भी क्वेश्चन अपने करें, जरूरी नहीं है जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है आप लोग इसी से करें, आप लोगों के दिमाग में जो बाकी क्वेश्चंस है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमें बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, आप लोग अभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, बेशक वो बाद में हम जो बीच में से पिक करके उनके इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज टेल हाउ कैन रिमेन अनबायस्ड व्हाइल स्टडीइंग इन सिंपल फिलॉसफी। ओके, व्हाट वाज द रिसर्च पर्टेन फॉर पीपल हु आर इन द 20s एंड 30s, ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड दैट वन वन सच। ओके, अच्छा, मैं साथ में हम YouTube पे भी ऑनलाइन है, मैं यूट्यूब का मैं कुछ सवाल जो आपको आंसर कर दूं। सूरह कहफ के जो है पार्ट, इंशाल्लाह अगला पार्ट तो एडिट हो चुका है, लास्ट पार्ट का थोड़ा सा इशू ये है कि जो जिन जो हमारे साथी माजिद शराजी जिनके साथ हमने ये पूरा रिकॉर्ड किया था, वो जिसे कहते हैं कनाडा चले गए हैं, तो उसकी वजह से हमने वो अब फिर रिकॉर्डिंग फिर से करनी है, तो इंशाल्लाह वो होपफुली वेरी नेक्स्ट टू सून वीक में इंशाल्लाह वो करेंगे। वेरी सून वील एंड। और थोड़ा अनफॉर्चुनेट मतलब ये हुआ था कि हमने लास्ट सेशन रिकॉर्ड किया था लेकिन उसकी जो ऑडियो में बहुत ज्यादा नॉइज है, तो वी आर नॉट, हमने कोशिश की उसको एडिट करें लेकिन उसके बावजूद भी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको पोस्ट किया जाए, मतलब कि वो सारा के सारा जो सेशन है वो एक किस्म का समझ लें कि वो लॉस हुआ हमारा, अदरवाइज वी हैड कंक्लूडेड इट एट आवर एंड, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि हम लास्ट उसका जो है ना दोबारा करें, इसको रिकॉर्ड करें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह।
तंजील तुम साथ में ना यूट्यूब को भी देखते हो, मैं साहिल भाई को कॉल करता हूँ, मुझे लगता है कोई इशू क्या हो जाए। ओके अस्सलाम वालेकुम। ओके वसीम बटी सिंह फ्रॉम टाइटल, वी हर्ड दैट आवर बिलॉव्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर कर्स्ड, बट व्हेन रीडिंग द सीरा देयर आर सो मेनी ओकेजंस आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड कर्स द पीपल हु हैड सेवरली डिसऑनर्ड हिम। ओके ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉम वेयर यू हैव हर्ड दिस थिंग, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लैस्फेमी की थी, रसूलुल्लाह की जो शख्सियत थी वो बहुत ही ज्यादा जो थी वो माफ करने वाली, दरगुजर करने वाली थी, लेकिन जो रसूलुल्लाह की डिसरिस्पेक्ट का एक पूरा पूरा टॉपिक होना चाहिए इस पे, आपको इस पे कभी सेशन करेंगे कि उनके साथ रसूलुल्लाह ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया था। इट वाज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट, तो कर्स तो एक फिर बहुत यू नो पीछे लेवल की चीज आ जाती है। इवन एट सम प्लेस एट सम एट मेनी यू नो ओकेजन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव गो अहेड कि आप जो है वो उन लोगों को जिन्होंने रसूलुल्लाह की रिस्पेक्ट किया कि उनको कत्ल किया जा सकता है, और हुए भी रसूलुल्लाह के दौर में। वेल वी विल डिस्कस इट। ओके साहिल भाई इज बैक विद अस। अच्छा साहिल भाई, मैं आर्गुमेंट जो दे रहा था वो ये था कि हम जब 25 दिसंबर को ही मैरी क्रिसमस उनको विश कर रहे हैं, तो हम तो उनकी बनाई हुई तारीख पे विश कर रहे हैं। क्या चीज माइक्रोफोन आज फहीम फातिम आप खुद म्यूट कर दिया किचन कर दिया मैंने कर दिया। तो द आर्गुमेंट इज कि आप जो है वो उन्हीं की बताई हुई तारीख पे और उनकी उनको जब विश कर रहे हैं तो वो तो यही समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, तो आप उनको तकवीयत दे रहे हैं उनके उसके नजरिए को उनको विश करके। ये तो एक हमें ये बताएं कि हजरत मूसा की अगर बर्थडे यहूदी मनाते और वो उसको फिर यू नो मैरी मोजिस डे कहते फिर क्या मसला था? नहीं वो उसको वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तो नहीं कहते, वो तो मसला ऐसे जैसे मैरी मोजिस डे कहते फिर हम नहीं, उसमें तो फिर वही आर्गुमेंट आता ना कि अगर हम रसूलुल्लाह ने अगर हमें तरगीब नहीं दी मनाने की अपनी बर्थडे तो हम वो भी क्यों मनाएं? नहीं आप कोई और बात कर रहे हैं, वो मुझे पता है आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये आर्गुमेंट नहीं दे रहे ना, ये डैनियल जो है ना ये आर्गुमेंट ये वाला नहीं दे रहे। मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें कि जॉन चैप्टर 3:16 फॉर गॉड लव्ड द वर्ल्ड सो मच दैट ही गेव द ओनली बिगॉटन सन। जब तक जॉन वर्स 3 चैप्टर 3:16 नहीं आई थी, क्रिश्चियंस जो हैं ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। आपको पता है इस बात का? क्रिश्चियंस पहले 70 साल तक जी जी गॉस्पेल ऑफ जॉन के बाद ही नहीं मानते। जी जी ठीक है, अब अगर मतलब उसने लिखी किताब पूरी की पूरी तो उसमें उसने फिर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया था। नहीं नहीं वो तो फिर पॉल ने पहले किया था, जॉन जॉन वाज द लेटर या लेटर गॉस्पेल। पॉल 300 साल बाद आया था, 300 AD उसकी। या नहीं मैं जॉन के किताब की बात कर रहा हूँ ना, जॉन खुद तो हदीसा के साथ ही थे, जॉन डिसिपल। जी जी बिल्कुल वो हवारी थे। मेरी बात समझने की कोशिश करें जरा। इस वक्त दुनिया में दो सेक्ट्स हैं, जिसको एक को क्रिस्टोडेल्फियंस कहते हैं। क्रिस्टोडेल्फियंस वो लोग हैं जो हदीसा को आखिरी नबी मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं मानते, ठीक है। फिर यूनिटेरियंस कहते हैं, इजिप्शियन इजिप्ट में बहुत बड़ी तादाद और दुनिया पूरी में है, साउथ अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग में ये लोग रहते हैं, जहाँ से शेख इमरान जो है ना वो उन क्रिश्चियंस के बारे में तारीफी कलमात जो बोलते हैं। ये क्रिस्टोडेल्फियंस और यूनिटेरियंस जो हैं ये ईसा को अल्लाह का नबी मानते हैं, मगर आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? तो क्या उनको मैरी क्रिसमस कह दूं? ऑफ कोर्स नहीं कहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई और पॉइंट है जिसकी बिना पे हम ना करते हैं, वो ये कि भाई अल्लाह ने कि हमारे दीन में कोई त्योहार नहीं है, आपके दीन में होंगे
तो मनाएं जरूर मनाएं, कौन रोक सकता है किसी को, मगर मैरी क्रिसमस क्रिस्टी डेल्फिन को कहने से तो ब्लास्फेमी नहीं हो रही ना, यूनिटेरियंस को कहने से तो ब्लास्फेमी नहीं हो रही, समझ रहे। मगर आपको मैं बता रहा हूं 25 दिसंबर की पैदाइश की वजह से नहीं हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा माना गया कि जो 25 दिसंबर को पैदा होगा अल्लाह का बेटा होगा, ऐसा तो कोई बिलीफ नहीं है उनकी। अगर तो ये बिलीफ होते कि 25 दिसंबर को पैदा होने वाला शख्स जो कि पास ओवर को पैदा होगा ऑन द वेरी डे वेयर द ब्लड मून इज गोइंग टू कम ऑन द टॉप ऑफ जेरूसलम ऑन द डे दैट द एज ऑफ पाइसिस इज गोइंग टू स्टार्ट दैट वेरी डे, दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी डे जब ईसा पैदा हुआ अकॉर्डिंग टू देम, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू देम। आपके समझने 25 दिसंबर ऐसे तो नहीं निकाला उन्होंने, उन्होंने कैलेंडर को डेट बैक किया ना कि जब ज्यूश कैलेंडर के वो वाले दिन चल रहे थे कि जिसमें पास ओवर स्टार्ट होता है, आयरॉनिकली उस वक्त एज ऑफ पाइसिस भी स्टार्ट होती है। सो उन्होंने कहा ना, क्या उन्होंने ये कहा है कि जिस 25 दिसंबर को हदीसा पैदा हुआ उस दिन अगर वो ना पैदा होते तो अल्लाह का बेटा ना होते, ऐसा तो कोई बिलीफ नहीं है उनका। So, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत आसानी से समझे, मुफ्त में एक मीम मेख निकाली हुई है मुसलमानों ने और आयतें सुना रहे हैं नाउज़ बिल्ला कुरान की, उनको जॉन 3 वक्त उनकी बाइबल के ऊपर तो ये आयतें सुनाते नहीं उनको, जब क्रिश्चियन देखो ये वाली आयतें सुनाओ, ये वाला कोई हुक्म है? जब क्रिश्चियन को देखेंगे आप अपनी काम वाली को भी देखेंगे उसको बताएंगे वला तकूलू सलासा, ऐसी बातें करते हो? 25 दिसंबर को ऐसी बातें क्यों शुरू कर देते हैं? उन्होंने कब कहा कि 25 दिसंबर को पैदा होने की वजह से अल्लाह का बेटा? सो इट्स अ ये मुफ्त में एक ना एक ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर है और बस एक चलता आ रहा है इनकी एक, अब मैं क्या तफसील में जाऊं, बहरहाल इट्स अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट डैनियल हैज गिवन। मैंने डैनियल के सारे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए इन द मीन टाइम आप डिस्कशन कर रहे थे, तो बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा है कि नहीं नहीं आर्गुमेंट उसके सारे के सारे आर्गुमेंट जो है ना वो आर्गुमेंट वैलिड हैं बट दे आर नॉट वैलिड अगेंस्ट दिस सेलिब्रेशन और विशिंग मैरी क्रिसमस, वो वैसे यूनिवर्सली वैलिड है जो कि क्रिश्चियंस के एज अ रिलीजन क्रिश्चियंस के अगेंस्ट दिए कुरान ने, वो किसी भी टाइम के लिए वैलिड है, वो इस पर्टिकुलरली इस इवेंट को एड्रेस नहीं कर रहे। हाँ, लाइक इट्स सेइंग लीडिंग क्रिश्चियंस टू द फायर, अब वो कहते हैं and whoever desires other than Islam as religion, never will it be accepted from him and he in the hereafter will be among the losers. तो ये आयत तो सिर्फ क्रिश्चियंस के केस में जाती है, हर नॉन मुस्लिम के लिए जाती है, यूनिवर्सल है। मैं बस आपको ये और सबको ये बात क्लियर कर दूं कि मेरे क्रिसमस कहने के मैं हक में नहीं हूँ, मैं किसी भी बर्थडे मनाने के हक में नहीं, स्पेशली अंबिया की, क्योंकि उससे फिर दीन में एंट्री की जाती है, अंबिया की बर्थडे मनाना दीन में एंट्री है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की वजह से हम नबी अलैहिस्सलाम की भी बर्थडे नहीं मनाते, हम किसी भी नबी की बर्थडे नहीं मनाते। आप मत आप उनको कह दें कि व्हेन दे से कि व्हाई डिडंट यू से मैरी क्रिसमस, बाय द वे कोई क्रिश्चियन नहीं कहता तुमने मुझे मैरी क्रिसमस क्यों नहीं कहा, ऐसा रिवाज नहीं है, मैं सारी उम्र रहा हूँ। बहरहाल अगर आपको कोई कह भी देता है तो आप कह दें यू नो वी डोंट बिलीव इन सेलिब्रेटिंग बर्थडे बट यू नो आई'ल ईट द केक। Right. खाने में तो कोई मुमानियत नहीं है ना, ठीक है। चलें जी, आपको पॉइंट क्लियर हो गया। मैं जान के नहीं जा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सेशन सुने, मेरी काफी उम्र हो गई है, मैं बचपन से सुनता आया मुसलमानों के लेक्चर्स के क्रिसमस क्यों नहीं मनाना चाहिए, एक ही लेक्चर है जो पिछले 500-700 साल से पिटा हुआ आ रहा है। आप मुझे ऐसी आर्ग्यूमेंट दें बस कि 25 दिसंबर की वजह से हम उनको मैरी क्रिसमस नहीं कह सकते तो मैं मान लूंगा, मुझे कौन सा कोई एतराज है, मैं तो मैरी क्रिसमस वैसे ही नहीं कहता किसी को। मगर ये सोच को ना पस्त करते हैं ये जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स है ना, ये मुसलमानों को डम कर रहे हैं ऐसी बातें करके, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। हमारा काम है सोच के स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाना, ये नीचे पस्त फेंके जा रहे हैं कि चूंकि वो अल्लाह का बेटा मानते हैं क्रिसमस नहीं मना सकते, वो अल्लाह का बेटा मानते हैं इस वजह से और कुछ भी नहीं कर सकते हम जो कि वो करते हैं, मगर उनके क्रिसमस मनाने की वजह से वो नहीं अल्लाह का बेटा मानते। चलें जी, ऑलराइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम ट्रेवल और सूरह कहफ और इससे रिलेटेड है, दज्जाल से रिलेटेड।
एक इस साहब बारे ने में ये कुछ पूछा सवाल कोई लाइव में सेशन में आ रहा है तो वो ले लें, ये वाला मामला ठीक खत्म है, कर। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पूछना ये है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फर्क है? गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है। सेल्फ कि कहाँ रिस्पेक्ट पे हम अगर एक एक रिश्ते को निभाना चाहें तो कहाँ जाके हम अपने आप को इतना कर सकते हैं, उसको रिश्ते को बचाने के लिए अपने आप को इतना आजिज हो सकते हैं, और कहाँ पे हमारी ईगो हर्ट हो रही है और कहाँ हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है? ये दूसरा सवाल है। अब ये जो है ना मामलात का सवाल है। आपका पिछला सवाल साइंस का सवाल था, मैं उसको साइंस की पर्सपेक्टिव से ही बताने लगा था, द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ईगो इज अ बिग स्फीयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें ईगो के अंदर आती हैं। मेरी अपनी शनाख्त, मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ, लोगों के बारे में मैं अपना डिफरेंशियल, मतलब मैं उनके तनासुब में अपने आप को क्या समझता हूँ, उनके तनाजुर में, लोगों के तनाजुर में, सॉरी ना तनासुब में, मुवाजना कैसे करता हूँ मैं अपना और अपने उस आइडियल सेल्फ का, कि जो मैंने अपने लिए पर्पस बनाया हुआ है, और मैं अपने अंदर कौन सी वीकनेसेस देख के उसको उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हूँ, ये सब ईगो के अंदर आता है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो बहुत आसान सी बात है, उसको डिग्निटी कहते हैं। डिग्निटी कि आप किसी भी लेवल के ऊपर अपने उस मयार को नीचे ना आने दें कि जिस मयार पे अल्लाह ताला ने आपको बनाया। बस इसको आसान करके मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट बता दिया आपको। अब जो आपका अगला सवाल है ना, असल में वो है जड़, जो कि मसला करती है। ईगो इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, याद रखिएगा। बस ईगो इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया हमें, ईगो के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया है हमें। जब भी किसी बात पे नाज होता है कि हम, फॉर एग्जाम्पल, मैं मुसलमान हूँ, मुझे नाज है, क्या मुझे गरूर है? नहीं, मगर क्या मुझे नाज है? 100% नाज है। ठीक है, तो ये मेरा ईगो है जहां से वो नाज आ रहा है, वो फख्र आ रहा है। मुझे कुछ शर्मिंदगी है मुसलमान होने पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या मुझे किबर आया कि बाकी के लोग कमतर हैं और वो अल्लाह ने मुझे बेहतर बनाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नाज कैसे हुआ? नाज ही हुआ कि अल्लाह ने मेरे पे रहम कर दिया। अल्लाह मुझे गैर मुस्लिम के घर भी पैदा कर सकते थे, मुझे जानवर बना सकते थे, मैं चींटी हो सकता था। अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह मेरे ऊपर अल्लाह की मर्जी वारद हुई है, इसलिए मुझे नाज है। मेरा कोई काम है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा कोई काम डाल दूं इसमें तो किबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम ईगो का लव जो कैजुअली थ्रो करते हैं ना, वो बिल्कुल एक जैसे दिल का, हार्ट का लव जो है ना, कैजुअली बोलते हैं। हालांकि एक मेडिकल मेडिसिन का एक ऑर्गन है हार्ट, इट हैज अ फंक्शन। बिल्कुल इस तरीके से ईगो एक साइकोलॉजी का ऑर्गन है, साइकोलॉजी का, इट हैज अ फंक्शन। उसको हमने एक जो नसर में इस्तेमाल करते हैं ना ईगो को, वो प्रोज में जो करते हैं हम, वो उसका उसका कोई और मतलब है, वो किबर में आता है। सो वो आई होप यू नो द डिफरेंस, के जो साइकोलॉजिस्ट जब ईगो बोलते हैं तो वो एक टेक्निकल टर्म बोल रहे होते हैं, और जब मेरी पुपोजा बोलेंगी कि ईगो, इसका ईगो बहुत है, तो उनका मतलब मुझे पता होगा कि वो ये कह रही हैं कि ये बहुत एरोगेंट है। सो इट्स नॉट द सेम वर्ड। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि रिश्ते जोड़ने के लिए क्या अपने ईगो को मार दिया जाए, तो अब आपको शायद मैं, आप वो इट्स कॉल्ड अ कैजुअल पर्सपेक्टिव, जिसका मतलब है लेमेंस पर्सपेक्टिव। आम आदमी जो ईगो कहता है तो वो किबर को रेफर करता है। सो आप ये कह रही हैं कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है कि जब रिश्ता बनाना, तो बिल्कुल की जा सकती है। अल्लाह का हुक्म है कि कतअ ताल्लुकी और सिला रहमी के डायरेक्ट हुक्म है। इसने 3 दिन तक एक मुसलमान भाई से कतअ ताल्लुकी रखी हुई, इस्लाम से हमारा कोई वो फलाही समीन था, वो हम में से है ही नहीं। तो जब हदीस ऐसे आ गई है, तो आप जितना मर्जी, जो मर्जी रिश्तेदार हो, आप अल्लाह के लिए उसको, उससे राबता करेंगे? आप अपने ईगो के लिए नहीं उससे राबता करेंगे, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या औकात अल्लाह के हुक्म के आगे? आसान करके समझिए, ये अल्लाह के लिए हम रिश्ते बनाते हैं। अपने शोहर की जो दावेदारी आपने करनी है, अल्लाह के लिए करनी है, शोहर के लिए नहीं। अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अल्लाह के लिए करनी है, माँ बाप के लिए नहीं करनी। ये हुकूकुल इबाद की जो पट्टी पढ़ाई गई है ना हमें, ये बड़ा रिसेंट सा एक इन्वेंशन है। अल्लाह ताला ने असूल बड़ा आसान सा करके बताया है कि माँ की भी खिदमत करोगे तो अल्लाह के हुक्म की वजह से। और इसका, इसकी नस कहाँ पे बिठाई अल्लाह ने, कि अगर वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, तुम्हारा बाप भी हुक्म देते तो नहीं मानोगे। तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह के ताबे होके माँ बाप की खिदमत करते हैं। और आजकल आपने देखा है इसी की मैनिफेस्टेशन, कितनी बड़ी करप्शन में आ गई है, कि माँ बाप जो है वो कोई
गैर इस्लामी हुक्म भी देते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है जी माँ बाप को हुक्म मानो, और माँ बाप की ताबेदारी कर रहे होते हैं। शादियों के अंदर जो मसाइल हैं वो इसी कंफ्यूजन की वजह से आए हैं, पूरे के पूरे माशरे को तबाह करके रखा है मुसलमानों ने। सो अपने घरों को अपने बच्चों को यू नो म्यूटेटेड साइकोलॉजी के साथ पाल रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह के लिए थोड़ी पाल रहे हैं वो, बस जो भी खैर बहरहाल उस तफसील में क्या जाना। तो कुछ तो सो रिश्ता अगर अल्लाह के लिए बनाया है तो फिर अल्लाह के लिए आपने कायम रखना है। आप जैसा मर्जी रिश्तेदार आपका, मैं आपको बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, रिश्तेदार बेशक आपको बुरा लगता है और आपके साथ जुल्म भी करता है, अगर कता ताल्लुक ही नहीं कर सकते आप, रिश्ता तोड़ने वाला इंसान मुसलमान नहीं, ये हदीस है। जी जी, इस समर में एक मैं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला के सीरा से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा सबक हमें नहीं मिल सकता। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे बोहतान लगा था और जिसके जिसके बाद उनके आयशा रज़ी अल्लाह ताला के हक में काम किया, वो बुजुर्ग रिश्तेदार नहीं, वो रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक ने जो उनकी वो एक इमदाद मदद किया करते थे, तो वो फिर बकर सदीक ने कहा था कि मैं अब इनकी मदद नहीं करूंगा। उसके बाद फिर कुरान की आयत आई थी एक, जिसका मफहूम ये था कि तुम जो अच्छे अमल कर रहे हो उसको तुम जो अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहे हो उसको चैरिटी दे रहे हो उसको मत रोको, अच्छे अमल चैरिटी दे रहे हो उसको, जो चैरिटी दे रहे हो उसको मत रोको। तो उसके बावजूद भी फिर यानी अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि कोई आपका रिश्तेदार आपकी किसी बेटी आपकी बेटी पे बोहतान लगा दे। वो रिश्तेदार नहीं था, यानी रिश्तेदार नहीं था, वो एक उनकी बिरादरी का उनके हल्के का बंदा तो था ना रिश्तेदार, तो फिर और बात होगी। उसके बावजूद उन्होंने वो छोड़ा नहीं, उन्होंने रोका नहीं उस चैरिटी को, उन्होंने अल्लाह ताला की खातिर कंटिन्यू किया। इससे बड़ा वाकया है अबू बकर का वो है जब उनके बेटे को शहीद किया था जिस बंदे ने, वो मुसलमान हो गया तो अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के लिए उसको गले लगाया कि तेरी वजह से मेरा बेटा जन्नत में। सो कथा ताल्लुक ही तो नहीं हो सकती। और मैं आप मुझे नाम नहीं पता खातून से सवाल किया, बड़ा मुश्किल काम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल काम ही है, इसीलिए करना है, आसान कामों पे जन्नत नहीं मिलती। सो मुश्किल काम जो है ना वो अल्लाह के लिए करें, अल्लाह ताला ने जब ये वाली अदा देखनी है आपकी कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अल्लाह के लिए कॉम्प्रोमाइज किया अल्लाह के हुक्म के लिए, तो फिर अल्लाह से रिश्ता हो गया आपका और लोगों की क्या औकात। सीम भट्टी ने यूट्यूब पे पूछा है, फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव हर्ड दैट आवर बिलव्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर कर्स्ड, बट व्हेन रीडिंग द सीरा there are many occasions our prophet did curse the people who had severely dishonored him. is pe abhi angrezi ka lafz hai na curse, iske do matlab hain, kyunki mera khayal hai inhone baddua ke matlab mein liya hai. to pakistan mein na ye gali ka jo lafz hai na ye iski psychology aur hai, arab mein jo gali ka lafz hai uski psychology aur hai. maine kafi ulama ko dekha hai ki बुखारी शरीफ की हदीस तक कहते हैं ये तो मिजाज नबी पे ही पूरी नहीं उतरती, ऐसी बात तो नबी अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते। और आप भी जानते हैं काफी सारे उलमा हैं, बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं, अब पाकिस्तानी बंदा मियां वाली में जेलम में कराची में बैठ के बताएगा कि मिजाज नबी क्या है, ये हालात हो गए हमारे। जो हदीस सही बुखारी में सनद के साथ आई है, सहाबा से नकल है और तमाम उलमा कराम उस पर मुत्तफिक हैं, और वो हदीस बताएगी कि मिजाज नबी क्या है, कोई इस्लामाबाद में बैठ के साहिल मियां नहीं बताएंगे कि मिजाज नबी क्या है। सो जो हदीस में अगर आपको जैसा जो कुछ मिल रहा है वही आपने वैसे ही लेना है और उसी पे साइकोलॉजी क्रिएट करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने दो जगहों के ऊपर, एक जगह पे तो मुझे पता है, दूसरी मतलब एक चीज मैं आपको उर्दू में बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारी साइकोलॉजी उर्दू की वजह से कैसे करप्ट हुई है, जो इस मुस्लिम साइकोलॉजी है। जब पहली दफा वो जो दो फारसी जो उनकी FBI के बंदे आए हुए थे नबी अलैहिस्सलाम को, जब नबी अलैहिस्सलाम ने खत लिखा था पर्शियन करने आए, नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं, अरेस्ट करने आए थे वो अपनी तरफ से अरेस्ट करने आए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो कहा कि वोट यू का मतलब है हलाकत तो तेरे मुंह पे, कि तूने क्या हुआ बनाया हुआ। अब मसला यह है कि वोट यू जो है ना वो इट्स ए कॉमन फ्रेज इन द अरब लैंग्वेज विच एवरी अरब वाज स्पीकिंग विच डिड नॉट रियली मीन कि तेरे मुंह के ऊपर अल्लाह ताला लानत डाले। ध्यान में रखिएगा इस बात को, अरब्स डिडंट रियली ट्रिगर दैट साइकोलॉजी व्हेन दे सेड वोट यू, क्योंकि ऐसे ऐसे सहाबा हैं जो एक दूसरे को वोट यू करते रहे, नाउज बिल्ला एक दूसरे को बद्दुआएं तो नहीं देते थे, इट वॉज अ कॉमन फ्रेज। सो डोंट टेक दैट इन टू ए
मतलब इट वाज अ शो ऑफ एंगर, इट वाज अ शो ऑफ डिसप्लेजर, सॉरी नॉट इवन एंगर, उस लेवल पे भी मत लेके जाना साइकोलॉजी को. सो अरब्स व्हेन दे से हलाकत होते ना मुंह पे, तो उसको वो असल में उर्दू में ये नहीं कह रहे होते वो हलाकत होते ना, वो ये कहते थे कि मैं तेरी इस अदा पे डिसप्लेजर दिखा रहा हूँ, मुझे 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 तकलीफ का एक जो है ना कैफियत है मेरे ऊपर तेरी इस बात से. सो हम जब अंग्रेजी में पढ़ते ना वो टू यू, सो वो टू यू जो है वो उर्दू उर्दू में मत, इस्लाम उर्दू में ना बहुत पस्त हुआ आके. सो उर्दू से जरा सा इज्तनाब करके अरबी की तरफ रुजू करें. दूसरी चीज, अभी कुछ दिनों पहले किताब में किताब जिन रसाला था जिसमें सवाल जवाब थे दो उलमा कराम के फिक्र के आपस में, और एक ने उसमें बिला तामुल लिख दिया कि ये वाली हदीस जो है ना जिसमें कुछ ऐसी तफसील है कि जिसमें मुमासलत दी गई है कबीला परस्ती को, पेट्रियटिज्म को एक्चुअली, हाँ, और उसमें कहा कि गो यू कैन एक्चुअली गो एंड लिख द आइडल ऑफ नायला एंड उसमें पाकिस्तानी आलिम लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक से गाली का कैसे आपने तवक्को कर ली कि अबू बकर सिद्दीक ने गाली दी. हालांकि ये इट्स अ कॉमन फ्रेज इन अरबी, इट्स अ कॉमन फ्रेज. फिर मुझे एक वीडियो भेजी किसी ने कि आपने एक सेशन के दौरान ऐसी बात की थी अरब अपने उस्ताद को कोट करते हुए कि वो तो गाली के जमरे में आता है, और आपने उसको कह दिया कि हदीस है और हदीस का रेफरेंस आपने दिया, तो हमने पढ़ी तो वो हदीस हमें समझ नहीं आई, उसमें तो एक नाउज बिल्ला ऑब्सीन लफ्ज था. तो मैंने वो वीडियो देखी तो वो भाई साहब वीडियो में कह रहे थे कि ये हदीस तो बुखारी की है मगर ये मिजाज नबी पे पूरी नहीं उतरती तो हम इसको नहीं मान सकते. भाई साहब खुद बताएंगे, अब एक पाकिस्तानी बंदा उठ के बताएगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मिजाज क्या होना चाहिए. या इनको ज्यादा समझ आ गया है और उनको नहीं समझ आया जिन्होंने 1400 साल से हदीस नकल करते करते हम तक पहुंचाई. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. पाकिस्तान में ना दो तीन ऐसी चीजों को कल्चरली ऑफकोर्स इतना ज्यादा हाइप दी गई है जो कि इस्लाम ने उसको लिफ्ट भी नहीं कराई, ऐसी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, और कुछ ऐसी चीजें जिसको इस्लाम ने बहुत क्रिटिकल किया है इस पाकिस्तानी कल्चर में आके वो बहुत कैजुअल हो गई. सो अपने आप को इकबाल ने कहा था ना कि अगर इस्लाम, और इकबाल ने उलमा कराम से खिताब करते हुए बात की थी कि अगर इस्लाम है ना आपको इस्लाम चाहिए तो आपको हिंद से निकल के मक्के जाना ही पड़ेगा, इसलिए इस्लाम मक्के से ही मिलेगा आपको, हिंद से नहीं मिलेगा. जितना मर्जी बड़ा आप मौलवी समझे उनको, उन्होंने ये बात ब्लेटेंटली स्ट्रेट टॉक की उन्होंने कि भाई ये सच तो है, मानना तो पड़ेगा कि अगर आपको इस्लाम ही चाहिए तो इस्लाम तो आपको अरब में ही मिलेगा. मतलब द साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम इज इन अरब नॉट इन हिंद. हिंद के उलमा से साइकोलॉजी नहीं लेनी आपने, साइकिल उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इल्म दिया हमें, इल्म ने साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम अरेबियन कल्चर से ही लेनी, वो भी 1400 साल पहले. तो बहुत आसान करके समझिएगा, जिस चीज़ को हम गाली समझ लेते हैं वो अरब में उस वक्त गाली नहीं होती, और जिस चीज़ को हम नाउज बिल ऑब्सीन लैंग्वेज समझ लेते हैं अरब में कॉमन फ्रेजेस हैं उस वक्त. ये हम नहीं बताएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम को कैसे बात करनी चाहिए थी, नबी अलैहिस्सलाम हमें बताएंगे कि कैसे बात करनी चाहिए, ये उल्टा करें इस चक्के को. ओके लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन किया, ये जो क्वेश्चन किया था पर्टिकुलरली कर्स का वर्ड यूज करके, इसमें उन्होंने एक चीज साथ रिलेट किया कि व्हेन रीडिंग द सीरा देयर आर सो मेनी इक्वेशन और प्रॉफिट डिड कर्स द पीपल हु हैड सेवरली डिसऑनर्ड हिम. ठीक है, तो हमने कर्स के वर्ड को डिस्कस तो कर लिया, लेकिन ये भी लोगों को ज़हन में क्लियर करने की ज़रूरत है कि सुरल्ला की रिस्पेक्ट का वो एक डिफरेंट सुरल्ला का जो पर्सपेक्टिव था उसमें, जो उन्होंने अपने साहबा को इसके बारे में टीच किया वो इतना लीनियर नहीं था, या फिर इतना उस पर इतनी माफी नहीं थी कि सुरल्ला की रिस्पेक्ट कोई बदा करके चला जाए, उस पर बड़ी सख्त सजाएं दी गई. उसके हवाले से जरा डिस्कस करें, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे समझ ही नहीं आई आपका सवाल. कर्ज का मतलब बताएं पहले, बद्दुआ की बात हो रही है. हाँ, वो कहने कि हमने बचपन से पढ़ा है कि हम सुलेला ने कभी किसी को कर्ज नहीं किया. ठीक है, क्या मतलब उर्दू में बताएं ना मुझे, उर्दू में बताओ ना. मतलब कर्ज मतलब लानत भेजी, लानत भेजना, कर्ज करना और क्या होता है, लानतान होती है ना कर्ज करना. जिसने सवाल पूछा ये तो वो बताएंगे कि उनका क्या मतलब है कर्ज से. अच्छा, अब वो उसको रिलेट जो भी जिसने सवाल किया वो रिलेट कर रहे हैं कि सुलेला के की डिसऑनर के साथ, कि उन्होंने डिसऑनर के मौके पे लोगों को कर्ज किया.
डिसऑनर के मौके पे तो इससे देखिए, मैं जहां पे पला बढ़ाऊ ना, कास्ट का मतलब गाली होता है, और मुझे पता है उन्होंने ये मतलब शायद ना लिया हो, तो मैं वो डबल चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो फिर क्वेश्चन पूछने वाले बताते हैं, लेकिन मेरा सवाल इसमें ये था कि रसूल अल्लाह का डिसऑनर की तो और ही वो उसमें जो हमें सीरा से मिलती है, डिसऑनर के ऊपर रसूल अल्लाह का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसमें नहीं है कि उसमें अल्लाह रसूल अल्लाह ने माफ नहीं किया डिसऑनर करने के ऊपर लोगों को, रसूल अल्लाह की जात को डिसऑनर किया जाए। नहीं नहीं अहजाब के मौके पे जब कुरैजा की तरफ गामजन थे सहाबा इकराम, तो जब असर की नमाज निकलने वाली थी ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, और हर नबी की शान होती है कि वो ऑप्टिमम ऑप्टिमम टाइम के ऊपर अल्लाह का हुक्म मानते हैं, तो जो हमारे लिए नमाज के औकात है ना, वो उनमें थोड़ा सा ग्रेस है, नबियों के लिए ग्रेस नहीं होती। तो जब उनको पता चला ना कि मेरा औसत वक्त गुजर रहा है असर का, ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के लिए, कुरैजा के लिए बदुआ भी इरशाद फरमाई, यह ध्यान रखिएगा। तो और साहबा को भी पता इस बात का कि जिस साहबी को बदुआ मिली है वो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ में कन्वर्ट की गई, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने जब माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा ना कि अल्लाह इसका पेट कभी भी ना भरे, तो इसके ऊपर उलमा की बड़ी बहस हुई कि ये तो बदुआ है। तो फिर बहरहाल उस पर हदीस है कि जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बदुआ दे दी हो वो भी दुआ में ही काउंट होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रहमत का आलम यह है, और फिर इसके ऊपर प्रॉपर रूलिंग है। सो ये अगर बदुआ में ली जा रही है, उनका सवाल अगर बदुआ में लिया जा रहा है, तो मगर दुआएं तो साबित हैं। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ साहिल भाई, मैंने ही सवाल किया था ये, और मैंने बददुआ ही का कंसीडर करके मैंने बात की थी, बददुआ। परफेक्ट परफेक्ट, सो बददुआ तो नबियों से साबित है, कुछ जगहों के ऊपर अगर आप फिलोसफी ऑफ इस्लाम को समझें तो कुछ जगहों के ऊपर बददुआ देनी जरूरी भी थी, ताकि उम्मत को कोई कंफ्यूज किस्म का मैसेज ना जाए कि ये भी अलाव है या यहाँ पे खामोशी है। लेकिन हदीस की ना तीन किस्में, सुन्नत की सॉरी, तो उनमें से एक किस्म ऐसी है कि जिसमें कोई बंदा कोई काम करे और नबी अलैहिस्सलाम के सामने, और नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर कुछ भी बात ना करें और खामोशी इख्तियार कर लें, वो भी इम्प्लिसिट कंसेंट में आती है उम्मत के लिए कि वो भी कर लो जिस पे नबी अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। सो कुछ चीज़ों के ऊपर खामोश नहीं जा सकते, जाहिर है अच्छे कलमात वाले के तो काम ही नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ों के ऊपर एक्सप्लिसिटली उस कौम को बददुआ दी, ताकि उम्मत को ये कन्फ्यूजन ना हो कि देखें नबी अलैहिस्सलाम को बहुत सेंसिटिवली देखना आपने, एक ऐसा शख्स अल्लाहुम्म सल्लि अला मोहम्मद जिनकी हर बात हर वक्त रिकॉर्ड की जा रही हो, और नबी अलैहिस्सलाम को तो पता था ना क़यामत के बाद के हालात देख के आ गए थे मेराज पे, और गैर की भी कुछ खबरें नबी अलैहिस्सलाम को डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से आई जा रही थी। तो एक बंदे को अगर ये पता हो कि हजारों साल तक मेरी एक किसी एक बात को लेकर करोड़ों लोग दोजख की तरफ या जन्नत की तरफ जा सकते हैं, सो ही हैड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इतना इतना मुश्किल काम है एक नबी होना, एक गैर नबी को समझ नहीं आ सकती कि मैं कुछ भी कैजुअली नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फिर रिकॉर्ड हदीस में लाया जाएगा, उस पर फिक्स तरतीब होगा, और ऐसी ऐसी किताबें उसको एज अ लॉ ट्रीट किया जाएगा। तो कुछ जगहों के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने स्पेसिफिकली ये अल कलमात जान के इरशाद फरमाए, ताकि क़यामत का आखिरी बच्चा भी कंफ्यूज ना हो कि इस मौके को किस क्रिटिकलिटी से कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं वो, फॉर एग्जाम्पल उनको बदुआ जो मिल गई है, या फिर कितने कितना बड़ा काम कर लिया, कारनामा कर लिया, कोई दुआ मिल गई है। सो अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द वे नबी अलैहिस्सलाम वाज प्लेस्ड इन दिस होल प्लैनेट, और दिस इज व्हाई आई एम अ लिटिल ऑफ फ्रॉम द साइकोलॉजी दैट द सलफी ब्रदर्स हैव अबाउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे जस्ट डोंट maybe they do, but they just don't manifest it, they just don't show the fact that they have realized the sensitivity of the psychology of understanding the psychology of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why I'm kai dafa to I'm pretty appalled by the way they actually interpret the hadith, or the way it is supposed to be taken. Halanki salafis claim to be the closest to the sahaba's psychology, but ibn taymiyyah se upar jaate hi nahi hai wo. So understand the problem if you do not understand the psychology of the Prophet and the Sahabas of the time at that time. Okay, okay. मैं mix कर रहा हूँ, sorry. ठीक है, ठीक है. I think आपने काफी उस पे detailed question कर दिए. Okay, sorry. मैं एक जी जी चलें. मैं कुछ सवाल कर लूँ.
जी जी करें सवाल आप। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई, मैं सिर्फ इफ्तिखार बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा वालिद जो होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कर्ज करते हैं, बददुआ देते हैं, गालियाँ देते हैं, तो क्या उसका फिर ये होगा इम्पेक्ट बच्चे पे? क्या ये वाकई ही बाप की दुआ, वो कहते हैं कबूल हो जाती है, बाप जन्नत के दरवाज़ा है, तो क्या ये हर वक्त देना या इस तरह नाराज़ होना उसके लिए, बच्चों के लिए, तो ये बच्चों पे इसका क्या इम्पेक्ट होगा? इसके बारे में भी मेरा ख्याल में आपको एक पूरा प्रोग्राम भी करना चाहिए, आज मेरे इस सवाल का जवाब भी दे दें। और दूसरा एक मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि अहदीस जो हैं वो हम तक पहुंचते पहुंचते सही पूरी नहीं पहुंची, इनमें कुछ सही हैं और कुछ ज़ईफ अहदीस हैं, तो हम इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सही अहदीस है और ये जो है ज़ईफ है, या जो हम तक अहदीस पहुंची हैं वो सही हैं अभी कि नहीं, या हम लोगों को इसका जवाब किस तरह दे? ये मेरे दो सवाल थे। अच्छा सॉरी, आपके जवाब देने से पहले ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, इसको हमने एक वीडियो में डिटेल डिस्कशन की हुई है इसके ऊपर, कि जो वालदैन जो वालिद होते हैं जो कि बॉसी होते हैं और वो जिस तरह का माहौल उनको ऑफिस में मिलता है उस किस्म का अपनी घर को भी के अंपायर की सूरत में चलाते हैं, तो वो उसके बारे में काफी डिटेल सेशन लेंगे। सर भी आपको अभी भी जवाब दे देंगे। सर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपका शॉर्ट आंसर करें, क्योंकि हम लिंक पोस्ट कर देंगे उस क्वेश्चन को इस वीडियो में, सो वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल इतना जरूरी और इतना अच्छा है, इसको मैं छोटा जवाब दे के ना इनजस्टिस होगा उसके साथ। बहरहाल आसान करके बता देता हूँ कि माँ बाप अगर नियतन बद्दुआ दे रहे हैं तभी काउंट होगी, वरना तो कैजुअली तो मतलब गुस्से में जो बात हो या फिर चिढ़ के जो बात कर दे, और माँ बाप को पता तो होता ही है कि मैं जैसे कसम के ऊपर अल्लाह ताला ने खुद रूलिंग कुरान पाक में बता दी ना कि वो वाली कसम जो आदतन बंदा उठा ले उसकी कोई पूछगछ नहीं है। कसम से इसी का इस्तदलाल करें कि अगर कोई ऐसी बद्दुआ जो आदतन माँ बाप या गालियां दे रहे थे, जिसका हम ये देख लें कि उसके पीछे कोई जिम्मा बच्चे का है तो नहीं, अगर एक बच्चा खुद बच्चा क्यों ना कहें आप जितना भी बड़ा उम्र का लड़का या लड़की हो, उसको वो माँ बाप को अगर तंग कर रहा है और उसकी बिना पे होकर उनके मुंह से कुछ कलमा निकल रहा है तो फिर तो काउंट में आएगा। अगर वो नहीं कर रहा है और बाप खुद एक्सेंट्रिक है जो ग्रंपी हो चुका है, व्हाटएवर रीजन, जो भी रीजन है उनके, और उसके जिम्मा बच्चे का नहीं है, तो अल्लाह ताला ने जस्टिस तो करना है ना किसी की दुआ बद्दुआ करने से पहले। सो माँ बाप कुछ आदतन भी बद्दुआएं देते रहते हैं, वो उनमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। अल्लाह ताला ने मतलब खुद सोचे ना, कोई भी बंदा किसी को बद्दुआ दे दे उसको क्यों नहीं कबूल होती? अल्लाह ताला ने सबको जो है ना वो उस पलड़े में रखा हुआ है जिसको हम अदल कहते हैं। सो जस्ट इन केस इफ समवन इज सेइंग समथिंग रॉन्ग या फिर बद्दुआ ही दे रहे हैं अपने बच्चे को या किसी को भी, अगर उसका किसी भी लेवल का कसूर है जिसपे वो तंग कर रहा है अपने माँ बाप को, स्पेशली यू नो बाप की बद्दुआ तक नौबत आ गई है, तो फिर तो कोई छूट नहीं, इसमें हदीस है। जब रही बात उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं, वो चाहे वो कावे में जाके बद्दुआएं दे फिर कोई मसला नहीं। जाहिर है वो तो एक इंसान को अल्लाह ताला बद्दुआ का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे पे जुल्म किया जाता है इंसानों के थ्रू, वो तो हो सकता है दुनिया में, मगर बद्दुआ और दुआ जो है ना वो अल्लाह ताला के सिस्टम को इन्वोक करने का, तो अल्लाह ताला के यहाँ तो जुल्म नहीं है, तो इसलिए उस उन लोग इस बारे में तो कोई मसला नहीं है। मगर बच्चे भी ना, ये यूथ जो है ना वो, या हम भी या हमारे माँ बाप उनके अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए कि ये ना हो कि वो किसी ऐसी नौबत पे ले आए माँ बाप के वो चिड़ के वो बद्दुआ ही दे दें, तो वो बेसिकली मैं ही लेके आए ना नौबत पे, बार बार चिड़ाया, इतना इनके इतना चोल खरीद कराया कि उन्होंने बतवाई दी। सो दिस इज हाउ हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, क्योंकि हमारे पास अभी तीन अलग एक YouTube से भी YouTube पे भी हम लाइव हैं, तो उधर भी बहुत ज्यादा जूम पे भी चैट पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, और फिर हमने एंड पे सबसे माइक पे उनका हाथ उठा के जो भी वो रेज करेंगे उनसे भी क्वेश्चंस लेने हैं, तो तीन अलग जगह हैं, तो हम चाहेंगे इसे जल्दी से करें। मेरे दिमाग में वो चैट वालों को करें, प्रेफर करें उनको, क्योंकि वो एक बड़ा
बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो खातून का सवाल जो नंबर टू है उनका तो जवाब दे दो। चलो चलो जवाब दे वो दें दे आप दे। पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल हदीस बिल्कुल वाला। अभी दे दे। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, असल में ना ये सबसे छोटा सवाल था क्योंकि इसके पीछे साइंस है। फॉर एग्जाम्पल पानी को बर्फ जो ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। अगर मैं कहूँ क्या ही सवाल पूछा है, कितना बड़ा सवाल, तो आप हंसेंगे कि ये कोई सवाल है, ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, ये तो साइंस है, अल्लाह ताला का उसूल है, इसके पीछे रूलिंग है, कानून है इसके पीछे, यही लफ्ज होगा कानून। मगर आ जाता है उन्होंने एंड में देने चांस है जिस मौके पे उम्मत पहुंच चुकी है ना हमारी। फिर पहले माइक्रोफोन म्यूट करवा दीजिए ना ताकि मैं इसको जो है ना वो दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव प्रॉब्लम दैट द मुस्लिम्स आर गोइंग थ्रू एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर हदीस को निकाल दिया जाए तो उम्मत कुरान पाक के अंदर से कुछ भी नहीं निकाल सकती, मतलब कोई हदायत नहीं ले सकती। ये मेरा केस है, अगर हदीस को निकाल दें तो मुसलमानों के अंदर से कुरान पाक की अपनी एसेंस ही आपने रिमूव कर दी। अहकामात तो गए, हदूद भी गई, थोड़ी सी हदूद रह गई, और नमाजें भी गई। कैसे पढ़ेंगे नमाजें, हदीस के थ्रू ही आ रही हैं। रोजा किस तरीके से रखना है, मामलात कैसे तय करने हैं। सो बेसिकली हदीस को निकालना जो है ना वो इंस्टेंट डेथ है मुसलमानों की, इंस्टेंट डेथ। इस्लाम एज अ फिलॉसफी विल फॉल ऑन इट्स फेस, देयर इज नो डाउट। पहली बात तो ये कि हदीस को जिस बेसिस पे निकालना है आपने, जिस बेसिस पे ये निकालते हैं, उसी बेसिस के ऊपर कुरान पाक भी क्वालिफाइड है भाई। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है ना कि कुरान पाक की किस आयत को कहाँ रखना है, और नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि बस यही कुरान है। सो या फिर उसके अराब जो हैं उससे जो मतलब मतलब निकलते हैं वो सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम से वेरीफाई करवाए थे, अरब एक लफ्ज के कई ही मतलब है। सो फ्रॉम द इंट्रिंसिक टू द एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कुरान, वी हैव टू पुट द वेट ऑफ हदीस टू बैलेंस द वेरी मीनिंग ऑफ एनी एंड एवरीथिंग अ मुस्लिम डज। सो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, हदीस को निकालते ही इस्लाम जो है ना अपनी वैल्यू खत्म कर देता है, मुसलमान तो खैर किसी औकात में नहीं रहते। सो कोई भी ऐसा मुसलमान स्कॉलर नहीं है जो कि हदीस को डिटैच करता हो। वी के नॉट डिवोर्स दिस सब्जेक्ट ऑफ हदीस। सो व्हाट डू दे डू, दे एक्चुअली से के सारी हदीस जो है ना वो नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसकी तो वैलिडिटी चेक होने वाली है। तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन था, ये सही आर्ग्यूमेंट था। तो सारी हदीस नहीं ले सकते, वही ले सकते हैं जिनके ऊपर इंस्ट्रूमेंटल वैलिडेशन की जा रही, और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वैलिड हैं। आप वो जर्नल जो है ना वो पढ़े, मैंने एक वीडियो में ना इसकी डिस्क्रिप्शन देखी है अभी रिसेंटली, और बड़ी अच्छी बनाई हुई थी। आई हैव टू फाइंड दैट आउट, एंड क्योंकि इतनी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही होती हैं। और बहरहाल वो जर्नल आप देख लें, असमाउर रजाल का जो जर्नल है ना, जो जरीते हैं असमाउर रजाल के, उसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स कहते हैं। सो वो उनको कैसे ऑर्डर ऑन सॉर्टिंग की जाती है, उनके फिल्टर्स कैसे लगे होते हैं, वो आपने देखना जरूर है। एज अ मुस्लिम वी शुड नो दैट। सो यू नो कि ये कोई किसी बंदे की बायस प्रेफरेंस नहीं है, ये एक न्यूट्रल साइंस के तौर पे ये सारा का सारा मामला रखा गया। अब रही बात के डिड इट मेक सेंस, ऑफ कोर्स इट मेड सेंस टू ऑल द मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट 700 इयर्स। नोबडी कंटेस्टेड कि हदीस जो है ना जिसको इस साइंस के थ्रू ज़ईफ कहा गया वो ज़ईफ नहीं है, जिसको इस साइंस के थ्रू मौजू कहा गया वो मौजू नहीं है। जिस हदीस को इस साइंस के थ्रू सही कहा गया था असल में तो वो सेंसिटिव हदीस है, तो उसके ऊपर भी पिछले साल हमारे जो रिसेंट 700 ईयर्स है उसके ऊपर भी पै दर पै हर 100 साल के अंदर उसको रिवाइटलाइज किया गया कि इन सही के अंदर से भी अगर कोई वीकनेस है परसेंटाइल में भी वो भी निकाल दो। ये इतना जरूरी काम इतनी दफा हुआ हुआ है कि अब किसी भी लेवल के ऊपर मुस्लिम हूएवर बिलीव इन हदीस डू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन कि वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई ऐसी हदीस बची हो कि जो गैर सही हो मगर सही करा देती है। अब ज़ईफ के अंदर बहुत सारी बहस मुबहस है, बहरहाल वो हदीस डिक्लेयर्ड ही अगर ज़ईफ है तो फिर तो मसले की जरूरत ही नहीं हमें। नोबडी टेक्स दैट एज सीरियसली और एज सेंसिटिवली एज द सही हदीस। अब रही बात, आजकल ये कुछ पिछले 50-60-70 सालों में कुछ ज्यादा ही एक नया एक शोशा छोड़ा गया मुसलमानों में, और वो पता नहीं उस परवेज साहब का पूरा नाम क्या है, आई थिंक गुलाम अहमद परवेज या व्होएवर। फिर अमीरुद्दीन सलाही साहब ने भी इसी तरह का एक डोर ओपन कर दिया,
और फराहि साहब ने भी डोर ओपन कर दिया और गामली साहब ने भी डोर ओपन कर दिया, बोला दरवाजा खोल दिया और उन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया कि हम बताएंगे कि जो फलसफा इब्राहिमी है उसके थ्रू हदीस को अगर पूरी आती है तो ठीक है, नहीं तो वो हदीस सही नहीं है। और जब पूछा गया कि किस बेस पे बताया, उन्होंने कहा ये तो कॉमन सेंस है, जो सुन्नत इब्राहिमी से हदीसें चली आ रही है, हजरत इब्राहिम से, उनके उनके दौर से जो चीजें चली आ रही हैं वो अगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम से भी साबित हो रही हो तो वो सही है। विच इज द वीकेस्ट आर्ग्यूमेंट आई हैव एवर लिसन टू इवन इन ग्रेड स्कूल्स, ग्रेड स्कूल्स के बच्चे भी इस लेवल पे वीक आर्ग्यूमेंट देते, कि एक तरफ एक मुसलमान कहे कि सीना बा सीना चलती आ रही हैं इसलिए हम कर सकते, तो इसको फिर क्या करें, इसके लिए फिर 2000 साल पुराने और सीने ऐड कर दो जिसके बारे में कोई भी बंदा नहीं बताता, कहते इब्राहिम से लेके वो जो तवातर से चली आ रही है वो उसका सबूत क्या है, वो भी वही इंसानों की टेस्टिमनीज ही है। सो दे एडेड 3000 मोर इयर्स व्हिच हैड एब्सोल्युटली नो बेयरिंग ऑफ एनी वैलिडेटेड हिस्ट्री। यहूदी खुद भी बेचारे शर्मिंदा है, खुद कहते हैं कि हाँ हमारी अपनी किताब भी 400 साल बाद लिखी गई है मूसा के, क्रिश्चियंस का तो हमें पता ही है उनकी किताब यूनानियों ने बैठ के लिखी जबकि अतीसा को बहुत हुए 350 साल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज के बेसिस चेक करें कि एक तरफ वो पूरी की पूरी साइंस है और एक तरफ एक बंदे की ओपिनियन है। ये बाय द वे मैं फराही साहब को ही रेफर कर रहा हूँ क्योंकि फराही साहब ने ये दरवाजा खोला था, उनसे दरवाजा उस दरवाजे से एंटर हुए सलाई साहब और उस दरवाजे से एंटर हुए, ये तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट्स हैं। फराही साहब जो है वो सलाई साहब के साथ के टीचर थे और गामली साहब अमीन के जो है वो स्टूडेंट है। सो दिस चेन पैरेलल पर उस वक्त परवेज साहब की वो चेन चल रही थी उस वक्त गुलाम अहमद परवेज, आई डोंट नो हिज फुल नेम, जो परवेजियत है, जो परवेज ने ब्लेटेंट रिजेक्शन शुरू कर दी। ऑल ऑफ अ सडन पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग दिस एंड आई विल टेल यू व्हाई पीपल वुड फॉलो दिस। अगर जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ना मेरे सामने जो लैपटॉप पे खुली हुई, तो वर्जन होता है विंडोज लाइट, LIT लाइट, वो ज्यादा लोड नहीं लेता लैपटॉप पे, वो ज्यादा बोझ नहीं डालता। बिल्कुल इसी तरीके से इनको इस्लाम लाइट वर्जन निकालते हैं कि ज्यादातर मामला जो है ना वो बोझ डालेंगे लोगों के ऊपर, तो इनको बस आसान आसान करके बताओ ये पूरे ये काम सात आठ काम कर लो बस ठीक है जन्नत मिल जाएगी। इस साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादातर लोग फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार शराब भी हलाल है, लड़कियों से मिलना भी हलाल है, उनको गले लगाना भी हलाल है, उनको हाथ मिलाना भी हलाल है, और सूद भी लेना भी हलाल है, देना बेशक देना हलाल है, लेना हलाल नहीं है, एंड एनी एंड एवरी थिंग इज ओपन अप। ये सारी चीजें कौन रोक रहा था, कुरान नहीं, वो हदीस रोक रही थी। So understand why I'm mentioning names. I don't really mention names, but this question is so deep and it's rooted inside the psychology of every human being. Agar Islam 2.0 release ho jaye aur uske andar aadhe se zyada ahkamat na ho, to zahir hai ki jis bande ke dil mein bhi aasani ki khwahish hai ki yaar jannat bhi mil jaye to duniya bhi mil jaye to aa jayega iske andar, and this is the only door that you have to open and everyone is going to enter it. Har banda chahega ki mujhe bhi wahi wala version mile, कि क्या मौलवी सख्ती सख्ती करवाते रहते हैं। मैं आपको इस्लाम की बात ही नहीं करूंगा रेफरेंस के तौर पे, आप खाली हजरत मूसा के टाइम के ऊपर जब ये तौरात नाजिल होके तूर को तूर से नीचे आए और जो अहकामी मामलात के ऊपर बनी इसराइल के साथ मामलात हुए, खाली अगर वो पढ़ लें आप, क्योंकि वो न्यूट्रल हम उनके लिए बायस नहीं है, उनके किसी फिरके में नहीं है, हम किसी यहूदी फिरके में तो नहीं है ना, मुसलमानों के तो फिरके में हम, तो हमें कोई बायसनेस आ रही, मगर आप बनी इसराइल के वो मामलात अगर पढ़े ना, चूंकि मेरी ट्रेनिंग ही उनके ऊपर हुई है, मैं तो कॉन्वेंट्स पे पढ़ा हूँ, तो मैं कहता था कि इतनी सख्त साइकोलॉजी से तौरात उतरी है कि आपको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। कुरान पाक तो सिर्फ रहम 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 करके उतरा, तौरात जब आई थी तो एक बड़ा सा मीटी और गिरा था बनी इसराइल पे, ऐसी ऐसी चीजें आए थे और वो भी हैं ज्यादातर के मतलब हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में बंदे एक ही दिन में कत्ल किए जा रहे थे, तुमने ये काम कर दिया उसको कत्ल कर दो, और फिर क्या किस किस तरीके से कत्ल हो रहे थे मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। एंड जो कि हदीस से साबित भी है कि उस वक्त बनी इसराइल के साथ क्या चल रहा था, ये कौन लोग थे, ये साबित थे मूसा के सहाबा के साथ क्या हो रहा है, जो कि 1% डिविएट हुए जहां पे मारे गए। हमारे ऊपर तो हदीस ने कोई रिस्ट्रिक्शन डाली ही नहीं है कंपेयर टू जो कि
بنی اسرائیل کے لیے تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سائیکالوجی بڑی آسان ہے. انہوں نے آسان کر کے بتایا کہ دنیا کے لیے نہیں میں نے کسی بھی کتاب کو اتارا, میں نے آخرت کے لیے کتاب کو اتارا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن آیا تو ہماری دنیا آسان ہو جائے گی, یا توریت آئی ہے تو دنیا آسان ہو جائے گی, اللہ ہم پہ جو ہے نا وہ رحم کرتا ہے کتاب اتار کے. ہماری آخرت آسان کرنے کے لیے کتاب اتاری ہوئی, ہماری دنیا کو تو مشکل کرنے کے لیے کتاب اترے گی. ورنہ تو عیاشی کریں جو مرضی, جتنے مرضی زنا کریں, جتنی مرضی رشوت لیں, جتنا مرضی سود کھائیں. زیادہ قرآن پاک تو دنیا میں تکلیف کا باعث بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو دنیا میں آسانی چاہیے ہوتی. سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی ڈو ناٹ ریئلائز فرام دا کور, ایٹ دا کور. اینڈ دیٹس وائی حدیث کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے. آپ غور سے اگر پڑھیں نا کہ جتنے بھی لوگ حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ والی حدیث کی لسٹ نکالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہی والی حدیث ریجیکٹ کرتے ہیں جو کہ آرتھوڈاکس احکام کو انفورس کر رہی ہوتی, اور بس وہ ایک لیفٹ پرسپیکٹو کو دیتی ہیں کہ بھائی سب کچھ ٹھیک کر دو, ہیومنزم کی طرف رہو, ٹرائی اینڈ پلیز ایوری باری سنڈروم جو ان کو ہے. سو دس از ناٹ جسٹ مائی اوپینین بائی دا وے, there is a proper science that I'm actually using and the psychology is very evident. So maine aapko call and effect dono batane ki koshish ki hai. I hope I've that's why I had to mention a few names here. Agla question lijiye. I hope it was clear. Acha agla question jo hai wo ek revert ki taraf se hai. Annie Dhawan wo pooch rahi hai ki I have a question. The question is that why Allah created us or gave us this test? Did we ask for it? Yes, Ms. Dhawan, we did ask. We asked for it, literally. We had not just asked for it. We demanded it. Hame de bas. We want to achieve that level. Jo ke, the highest of the highest levels. We are the one who actually asked for it. This is not only written in our texts, but it makes the perfect sense and completes the whole diagram. Bible is, the current Bible is devoid of it. The Torah is devoid of this very philosophy. Quran is the one, the book that actually comes and places the complete philosophy right in front. Okay, this is the big plan that you know, we saw, and then we operate that we want to be on the top of the hierarchy. And, God kept telling us that you won't be able to do that, but we just kept on, you know, badgering him that we need to, we want to, and we will do this. Aur phir humne mamla apne sar pe khud le liya. That's the answer. She asked a short question, so I just gave her a short answer. Okay. All right. بہت زیادہ یوٹیوبر اس پہ آئے ہوئے. اچھا کلیم کا ایک سوال ہے, سر ایز اے مسلم وی ہیو ٹو ورک فار دین اینڈ میک دا اسلامک سسٹم ورک, بٹ آفٹر لسننگ ٹو یو اینڈ ڈاکٹر اسرار دیر از اے پرسپشن دیٹ آل آر عبادت نماز نوافل ول بی آف نو یوز اف وی ڈونٹ میک اے پراپر سسٹم ایز وی سی آر برادرز اینڈ سسٹرز ان کشمیر فلسطین ایون ود ان آر کنٹری ناٹ گیٹنگ رائٹس واٹ اے کامن مسلم شوڈ ڈو جوائن اور اسٹارٹ اے تحریک keep on spreading the Islamic philosophy. Well, common Muslim should read. A common Muslim should open the books and read. Otherwise, samajh lein ki aap ek tehreek join karenge. Kaun si kare? You have to read. You have to understand on your own. Kisi bhi mauke pe. Allah Ta'ala ne khud bata diya. اور ہمارے تھرو لٹریچر کے تھرو حدیث کے تھرو آ گیا کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کو پکڑا ہوگا کہ اللہ اس کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہوں, اور امام اس وقت کہے گا کہ میں نے ہاتھ پکڑا تھا, اسے پوچھے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا تھا میں. سو اٹس یو شوڈ ریڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ وٹ ٹو ڈو اینڈ ناٹ جسٹ دا ٹیکسٹ آف یور اون اسکالرز بٹ ٹیکسٹ آف دا اسکالرز ہو کاؤنٹر دا آرگیومنٹس آف یور اون اسکالرز. ان کو بھی پڑھیں جو آپ کے اس
سیٹ کے خلاف لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو نظریہ آپ جو ہے نا کمپلیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں چیلنج کر دیا کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کتاب جو ہے وہ غلط ہے, تو ان سے کو باقی کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ کون سی جو ہے کتاب حق کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کرنے کا موقع دیا ہے, ہم چھپتے نہیں پھرتے, ہم تقیہ میں نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, کہ آگے کھول کے دکھاؤ ساری کتابیں, آپ ہماری پڑھیں, ہم آپ کی پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سی کتاب درست ہے. بالکل اس طریقے سے آپ نے سیکٹس کے اندر بھی یہ سائیکالوجی آف اسلام رکھنی, دیکھتے ہیں کون سا سیکٹ درست ہے, پڑھیں گے سب کو. ہم نے تو امام جعفر صادق کو نہیں پڑھا, نبی علیہ السلام کے بچے کی کتابیں نہیں پڑھی ہم نے, کیونکہ ہمارے سیکٹ میں نہیں ہے, اتنی بائسنس ہے ہمارے اندر. اور جو کہ امام ابو حنیفہ کے بھی ٹیچر ہیں. جی جی بالکل. اچھا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے وہ میری ساری عمر کے اوپر بھاری. Okay, Salvi, all right. Salvi, Annie has a follow-up question. She said that, I understand we asked for it, for the test, but why did Allah have to do this? I think she needs a clarity on this. Allah Ta'ala test banaya kyun? Matlab, ki why did he have to make us go through this difficult test or to give us a choice? It's such a long... There's so many categories that we'll have to cover in this. Okay, Annie, let's just wait up. Agar se sawal thode hue, if there are fewer questions, we'll take this question in the end. Otherwise, there's a video. I'm sure there's a few videos and I've covered this. Yeah, video, but I think it's in Urdu. Yeah. Nahi, to unko Urdu samajh nahi aati. I'm not sure. I don't know. Acha. Wait up. Aap aap intezaar kijiye. Agar waqt mila to zarur answer karte hain iska. It's a long answer. That's why my current answer. It requires a lot more detail. How to counter conspiracy theories in this era of bombardment of information? I know this question is a bit off from the topic going on right now. It's a good question though, because there's so much of well, dekhen ab physics ke bare mein koi conspiracy theory aayegi. تو کسی فزسسٹ کو وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. بالکل اس طریقے سے اسلام کے بارے میں اگر آتی تو ہر مسلمان بیوقوف بن جاتا ہے. کوئی کہتا ہے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, کوئی کہتا ہے میں نے دیکھ لیا ہے, کوئی کہتا ہے دجال کا ٹائم جو ہے نا وہ اس طریقے سے شروع ہو گیا ہوا ہے. ایوری باڈی ہیز ہز اون اوپینین انلیس آف کورس یو نو, وہی میں نے کہا نا, یو ہیو ٹو ریڈ یور اون آن یور اون, اینڈ دیٹس دی اونلی کوالیفائر دیٹ یو ول ہیو فار اینی تھیوری, لیٹ الون conspiracy theories. صحیح بات کو بھی کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو پہلے جانچ پڑتال کرنی پڑتی. سو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی, مطلب کب کوئی بات آپ تک پہنچے تو اس کی تحقیق کیا کرو پوری طریقے سے. سو یو ہیو ٹو ریڈ, اینڈ انلیس یو ریڈ یو ایوری ون از اے کنسپیریسی تھیورسٹ اف یو اف یو یو ناٹ اے ریڈر. سو گیٹ دا فیکٹس وتواصوا بالحق, کہ حق بات ڈھونڈیں, سچائی ڈھونڈیں, فیکٹس کلیکشن کریں تاکہ لوگوں کو بتا سکے آپ. اچھا مائی فرینڈ ہر فادر اینڈ سسٹر آلسو, ایک اور کوشچن ہے فالو غلام احمد پرویز, اور جو سوال کیا میں نے کہ عورت عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہے, یہ انہوں کی وجہ سے ہی کیا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ غلط ہے. ان سے we'll have to have a session with them, we'll have to talk to the source. اچھا آگے ہیں بلال خان, am I wrong to believe in that there will be no Islamic world renaissance until Imam Mahdi arrives no matter what we do. Also at the same time I am a strong believer in practicing and preaching Islam no matter how tough it gets, even if it means giving up one's life. ye hamare bhai India se hain, inhone ye sawal kiya. I didn't get the second part of the question. Basically wo comment kiya tha, also at the same time I am a strong believer in practicing and preaching Islam no matter how tough it gets, even if it means giving up one's life or your kids. Yeah, so
According to the hadith, there are two spikes जिसमें इस्लाम को पीक मिलनी है. But those two peaks don't mean के बीच में कोई renaissance हो नहीं सकती. हमारा काम है, हमारा ये काम नहीं है, कहीं पे भी नहीं कहा कि इमाम मेहदी का इंतजार करो. दज्जाल के वक्त का कहा गया है कि उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, भागना है. उसके अलावा कभी भी नहीं कहा कि इंतजार करो इमाम मेहदी का, वहां तक जो बस घरों में छुप के बैठे रहो. वी हैव टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन टू नो हाउ टू थिंक, वी हैव टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन टू बी करेजियस एट द सेम टाइम. वक्त आने के ऊपर वो किसी भी मौके पर ये एक्सक्यूज ना रखें कि वी वर टू अफ्रेड टू डू द राइट थिंग. मेक श्योर आवर किड्स हैव टू बी ट्रेन ऑन द करेज ऑफ द सहाबा एज वेल एज द इंटेलेक्ट ऑफ द सहाबा. सो अंडरस्टैंड वी आर द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वी कैन नॉट बी टिमिड. एट दिस पॉइंट इन टाइम चाइना में करोड़ों मुसलमान इस वक्त जबरदस्ती, औरतें जबरदस्ती रेप हो रही हैं और इस्लाम से उनको जबरदस्ती जो है ना गैर इस्लामी हरकत करवाई जा रही है. फलस्तीन में क्या हो रहा है हम सबको पता है, कश्मीर में क्या हो रहा है हम सबको पता है, यमन में क्या हो रहा है एनी एंड एवरीबॉडी नोज के यमन में क्या हो रहा है. सीरिया टू कॉन्ट्रोवर्शियल है कि चले जी वो आइसिस है तो ये है तो वो है, बहरहाल मर तो मुसलमान ही रहे. बाकी चीजों को तो मतलब बाकी साइड पे रखें, ये समझें कि पाकिस्तान में ये हो रहा होता खुदा ना खास्ता, पाकिस्तान में हमारी बच्चियों के साथ ये कर रहे होते इंडियन या अमेरिकन या यहूदी, और हम बैठे होते वेट कर रहे होते कि ऊपर से जहाज कब गुजरेगा, ऊपर से क्रेट्स गिरेंगे एड के, कंबलों के और खाने के. सोचे जरा क्या गुजरती है हमारे. ये हम गवारा कर सकते थे कि दुनिया खाली देख रही हो और हमें अपने ज़कात और चैरिटी दे रही हो. कुड यू हैव टॉलरेटेड इट कि हमारे घरों में घुस घुस के जो हैं वो दरिंदे अपनी प्यास बुझा रहे हों और कैके लगा रहे हों और अगले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको वीटो कर दे कि नहीं इसके खिलाफ सैंक्शन नहीं लगेंगी, इसके खिलाफ कोई काम नहीं होगा. फिर अगले साल हो फिर वीटो कर दे, फिर तीसरे महीनों फिर वीटो कर दे. 34 दफा वीटो हुआ इसराइल का केस, 34 वीटोस. सो और ये वो हैं जो कि मेजर हैं, माइनर के ऊपर तो मुझे खुद भी गिनती नहीं पता, मेरा तो ख्याल है कि वो सैकड़ों में होंगे. सो अंडरस्टैंड अनलेस वी ट्रेन आवर किड्स टू बी थिंकर्स, सोचने वाले हों और खुद अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और खाली आलिम ना बने, वो करेज के ऊपर ट्रेन हुए हों, उनको प्रोजेक्ट्स मिले हों जब वो टीन एजर्स में थे कि अपने आप को हाउ टू स्टैंड ऑन योर ओन टू फीट एंड हाउ टू एक्चुअली बी विजिलेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू यू नो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, नॉट जस्ट हाइड अंडर अ काउच एज सून एज ही हियर्स अ लाउड नॉइस. ये मुसलमान खातून और मुसलमान मर्द दोनों की बात होता है. ओके, अनलेस वी ट्रेन दीज टू एट्रीब्यूट्स टू आवर किड्स दे विल नॉट बी एबल टू सेव द वर्ल्ड. दुनिया में बद से बदतर के हालात चलते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई अपवर्ड और स्पाइक वाला ग्राफ नहीं, इट्स अ डाउनवर्ड ग्राफ फ्रॉम द लास्ट 1400 ईयर एंड एवरीबॉडी नोज दैट. इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस आई एम गिविंग यू. बीच में हल्का शेक आए भी लाइन में तो ओवरऑल डाउनवर्ड ही है. मोरालिटी इज गोइंग वर्स टू वर्स्ट एंड यू नो सेल्फिशनेस इज गोइंग अप ऑन द राइज, और हमने उसके ऊपर डेमोक्रेसी का तड़का लगा दिया है. ज्यादातर सेल्फिश लोग, ज्यादातर इमोरल लोग मिलकर फिर अपने जैसे ही बंदों को सपोर्ट और सेलेक्ट करेंगे. हर मुल्क की मिसाल हमारे सामने. सो आई एम नॉट गिविंग यू अ लेक्चर इन पॉलिटिक्स हियर इवन दो आई शुड, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आंसर. सर अगला क्वेश्चन लेते हैं. जी सो आई होप आई एम क्लियर कि आपने करना क्या है. जी अच्छा, पीपल गिव आर्गुमेंट दैट रिलीजन वाज क्रिएटेड टू कंट्रोल पीपल. Wolf and sheep argument is given along it that wolves created religion to keep sheep in limits. How to tackle this question? If morality was not innate, then I would have argued with some statistics or some historical or even philosophical arguments. But morality is evidently innate. A wolf
does not empathize with the sheep. A human being empathizes with the sheep. So the analogy itself does not befit the very make of the human species. Okay, so religion was not to enslave the human beings by other human beings. It was to enslave human beings under the you know, the one and only maker that that created us. So we, what we did was we spun it around and we started enslaving people under us. And it's not just religion. Any and every human being, every community that ever lived in the history, as soon as they got the power, they started enslaving other people. Victorians did not use Christianity. The Dutch, they did not take over South America, nor did the Spanish. The Spaniards were not, Aztec was just a gold hunter, was not a religious man, nor was Hitler. Lenin, Stalin, these people, no matter how Marxist you are, these people were atheists, not religious people. And they, I'm not saying that, you know, they were trying to spread atheism. What I'm saying is, whatever your general argument is, can be applied on any and every doctrine. But the true sense of religion is not to enslave people under other people. It is to enslave people under the one maker. Okay. I think you just wanted to talk to the inner morality. So, you know, it just, it does not really have that word, that the word slavery that was practiced by human beings was immoral. The word slavery that was practiced by religious people, or the slavery of Allah, was the most moral of its own. It set its own examples, which we know through history. Okay, just YouTube पे कुछ questions जो है ना वो repeat हुए हैं, तो उसमें से एक तो आपसे पूछने क्या तसव्वुफ पे आप belief रखते हैं, और एक question ये है कि अगर आप metaphysics पे belief रखते हैं तो तसव्वुफ सूफीज्म पे क्यों नहीं रखते, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि साहबा इकराम से कोई खास करामत साबित नहीं है तो औलिया इकराम के बारे में अजीब गरीब करामतें क्यों मंसूब हैं, पानी पर चलना, टाइम ट्रैवलिंग वगैरह? पानी पर चलना तो साहबी से साबित है, सूफी साहब से कौन सा साबित हुआ है पानी पर चलना? असलमा खौली पानी पर चले, असलमा खौली जो है वो साहबी है। हज़रत उमर ने जिनको देखा मस्जिद नबी में एंटर हुए तो हज़रत उमर ने कहा, यह करामत सुनाता हूँ आपको, मस्जिद में एंटर हुए मस्जिद नबी में, तुमर ने पहली दफा इनको देखा और लोगों को कहा कि इस बंदे के अंदर मुझे नबवी खसूसियात नजर आ रही है, नबवी अंबिया की। साहबा ने पीछे देखा तो असलमा खौली एंटर हुए थे, यमनी थे, यमनी से तो फिर ज़ारा मदीने के लोकल नहीं थे। सो दे आस्क्ड हिम कि क्या लाइफ गुजारी है, एंड ही सेड अमीरुल मोमिनीन ने सही कहा, मेरे साथ ऐसे दो वाकयात हुए में कि जो सिर्फ नबियों के साथ हुए, एक दो मुझे रस्सी में बांध के जला दिया गया और रस्सी जल गई, मुझे खराश भी नहीं आई, और दूसरी तरफ जब मैंने ये परजियन के खिलाफ लड़ाई थी तो जब वो दरिया के अगेंस्ट, दरिया तो नहीं, वो गल्फ ऑफ परजिया है ना वो, तो उसके ऊपर लड़ाई थी ना, सो बोथ ऑफ द फोर्सेस वर वेटिंग, और असलमा खौली ने अपना घोड़ा पानी में डाल दिया, जिस पे इकबाल ने जब शेर लिखा है, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तब तो हमें कोई मसला नहीं है, जब कोई तसव्वुफ का फॉलो ले कह दे तो वो मसला है। इकबाल के शेर को असलमा खौली के ऊपर उन्होंने सब किया, और किसने दौड़ाए बरे जुल्मात पे घोड़े, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, बरे जुल्मात पे दौड़ाते घोड़े हमने, ये असलमा खौली के ऊपर शेर साबी हैं। सो द क्वेश्चन इज, क्या साहबा से करामत साबित है? तो मैंने आपको तीन करामतें अभी सुनाई है, जरा सोचे तीसरी करामत किसकी सुनाई है? करामत है कि जिन्होंने हजरत असलमा खौले की दो करामतें देखी। हजरत उमर से तो जंगे यरमूक में भी साबित है ना, जब उन्होंने आवाज दी थी और साहब ने सुना था, उसके ऊपर बहुत एतराजात खोल दिए ना लोगों ने कि नहीं वो तो ज़ईफ है, ये वाला वाकया तो मुस्तनद तरीन है, असलमा खौली वाला वाकई के ऊपर तो बहस ही नहीं हो सकती।
मैं करामते गिनने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं वैसे आपने सवाल करामत का पूछा है तो मैंने करामते बता दिए, क्योंकि ये बड़ी दफा करामत है, सहाबा से तो करामते साबित नहीं है, और कहाँ से साबित करनी थी हमने सहाबा के अलावा, नबियों से तो करामत को मोजज़ा कहते हैं हम। अच्छा शॉर्ट क्विक आंसर दे दें कि सूफीज्म पे आपका क्या स्टांस है और मेटाफिजिक्स पे आप बिलीव करते हैं तो सूफीज्म भी क्यों नहीं करते इन केस अगर आप नहीं करते तो? मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तानी इंडियन और बंगाली इनके लिए मैं सूफीज्म और तसव्वुफ पे बिलीव नहीं करता, बाकी तो मुझे कोई मसला नहीं है सूफीज्म एज अ कॉन्सेप्ट पे। आपको मिसाल दे देता हूँ इसकी ताकि आपको पता चले मैं क्यों इससे थोड़ा सा जब रिएक्शन पे आती है ना कोई दवाई आपको रास ना है और आपने ले ली हो, आप एलर्जिक हो किसी दवाई से और दवा ले लें तो आपके जिस्म के साथ क्या होता है उसकी मिसाल है द नॉर्थ या द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इराक द थ्री माउंटेन्स वेयर द यजीदीज लिव, दे लिव देयर फॉर अबाउट 1200 ईयर्स, छोटी सी कौम भी नहीं है ना, 1200 साल से कॉन्स्टेंटली चलती आ रही है। ये जो आदि या आदि का पूरा नाम मैं भूल गया हूँ, हजरत आदि बिन हातिम, नहीं वो तो साहबी हैं, वो तो साहबी हैं, ये एक सूफी स्कॉलर हैं, उनका मैं अभी नया नाम ज़हन में आ जाएगा। यज़ीदीज़ एक्चुअली थिंक दैट दिस मैन वाज इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, और उन्होंने ज़रा अपनी कोई करामत करके दिखा दी होंगी इनको। उस वक्त उन्होंने मलक ताऊस को, मलक ताऊस का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया और उसको फिर कहा कि ये सात आर्क एंजल्स का लीडर था जब लड़ाई हुई थी जिन्नों की, और अल्लाह ताला ने इसको ऑनर के तौर पे सब कुछ अता कर दिया था। हम उस आर्क एंजल को इबलीस कहते हैं भाई, और हम कहते हैं कि उसने नहीं किया था, अल्लाह ताला ने उसको नहीं अता किया था, वो कहते नहीं कर दिया था। अब वो कैसे कहते हैं, क्योंकि आदि ने जाके मुलाकात करके खुद पूछ लिया और बताया कि उन्होंने तो खुद पूछा है मैंने, तो जब किसी कौम को तसव्वुफ रास ना आए तो फिर इस तरह के मामले होते हैं कि इबलीस को वो जिब्रील का दर्जा दे देते हैं। जिब्रील का तो खैर कम दर्जा हमने इस्लाम में वो वाला दर्जा नहीं दिया हुआ जो उन्होंने इबलीस को दर्जा दे दिया। सो क्वेश्चन इज वेरी, द आंसर इज वेरी सिंपल कि जिस कौम को जो दवाई रास ना आए और वो दवा ले ले तो बीमारी ने शायद उसको छोड़ देना था, वो दवाई के साइड इफेक्ट और उस रिएक्शन ने उसकी जान ले लेनी, और यही मामला हमने किया था। हमने तसव्वुफ के रास्ते से इस्लाम के ऊपर वार करना शुरू कर दिया, इस्लाम की साइकोलॉजी के ऊपर भी और उसकी फिलॉसफी भी वार की हमने तसव्वुफ के रास्ते से। अरब ने जब तसव्वुफ फॉलो किया उन्होंने इस्लाम को और मुस्तहकम करने की कोशिश की, इस्लाम पे वार नहीं किया, मुसलमानों पे शायद वार किया, इस्लाम पे वार नहीं किया। बड़े जगीर के सूफियाने इस्लाम तक के फिलॉसफी के ऊपर वार किया। जी अगला ये बांग्लादेश से एक भाई ने क्वेश्चन किया है सैयद तनवीर, वो पूछ रहे हैं कि यू आर बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली दैट्स व्हाई यू आर यू फॉलो इस्लाम, दोस पर्सन हु आर बोर्न इन अदर फैमिलीज अदर रिलीजन दे फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर पेरेंट्स, यू विल नेवर चेंज योर रिलीजन एंड सो विल दे। तो उनका असल में सवाल ये है कि जो जहां पैदा हो गया दरी बात अपना दीन तो तब्दील नहीं करेगा, तो उसका क्या कसूर है वो कि वो नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया और वो अपने माँ बाप का रिलीजन फॉलो कर रहा है। नो आई पर्सनल फॉलो आई डोंट फॉलो द रिलीजन ऑफ माय पेरेंट्स सिंस यू डोंट नो मी सो यू सेड दैट बट देयर सो मेनी पीपल, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, क्रिश्चियनिटी एट वन टाइम वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द प्लेनेट। आपके समझ दें 3 बिलियन क्रिश्चियंस जो हैं वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं, 3 बिलियन क्रिश्चियंस आर नॉट कॉप्टिक क्रिश्चियंस, they are not Christians since the time of John and Paul, okay? They converted later on. 5 billion bande jo hai unki roots jo hain wo converts se aa rahi hai, musalman to sare hi converts hain, indian pakistani aur bengali to khud ye baat karne ke qabil hi nahi hai, hum to sab converts hain, you have to understand the subcontinent muslims were not born muslims, they converted to islam. The Afghans were not born Muslims, they converted to Islam. The Persians were not born Muslims, they converted to Islam. Only the lineage of the Prophet can say that I'm a Nakui by blood. So we keep this joke in our family that we were born into a certain religion, so
That's why. Otherwise, उन्होंने तो सबसे पहले अपने इस्लाम के अंदर एक स्पिन, टॉप स्पिन दी है, सेक्स निकाल दी है ना, ये जो अहले तशय्यु और अहले सुन्नत हैं, ये सब के सब 1400 साल से चले आ रहे हैं ना. सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ टोटली डिफरेंट रिलीजन. आपका जो मफरूजा है वो स्टेटिस्टिकली बिल्कुल उलट है. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट यू नो कीप्स चेंजिंग इट्स रिलीजन आफ्टर एवरी 1000 years. अच्छा, इस जुमर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी एक एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी को एड्रेस किया. मुझे सूरत का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बैक टू बैक आयत है. पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि आज के दिन तुम क्या तुम्हें याद है कि अल्लाह ताला ने तुमसे वादा लिया था का कि मैं तुम्हारा रब हूँ. तुमने कहा था हाँ तू ही हमारा रब है. फिर अल्लाह ने कहा कि आज तुम्हें वो चीज अच्छे तरीके से याद है. और नेक्स्ट आयत में अल्लाह फरमाते हैं और ये इसलिए अल्लाह ताला ने किया ताकि तुम क़यामत वाले दिन ये ना कहो कि हमारे माँ बाप ने दीन फॉलो किया था तो हम उन्हीं के दीन पे चलते आए. यानी उन इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट अल्लाह ताला वो उनको याद करवा रहे हैं कि अहद पे तुम लोग मुझसे वादा ले चुके हो, उस दिन हमें याद भी होगा. इस आर्गुमेंट को निगेट अल्लाह ताला ने ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है. मैं देखूंगा कि वो कौन सी दो आयात थी, मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, लेकिन उसमें इसी सवाल को अल्लाह ताला ने एड्रेस किया कि किसी घर पैदा हो जाने पाक में किया ना तंजील कुरान पाक की. दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट वी कैन एक्चुअली से टू अ क्वेश्चन दैट ही पोज्ड, बिकॉज़ जो कुरान को नहीं मानता वो गैर मुस्लिम है. ठीक है, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि तूने तो वादा किया हुआ है हमारे कुरान में लिखा हुआ है. नहीं, लाइक वो तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ ना, मेरी किताब में कहीं तो नहीं लिखा हुआ कि मैंने वादा किया. सो दिस इज नॉट एन आर्गुमेंट. मैं उस केस में कह रहा हूँ कि अगर यही आर्गुमेंट लेके अल्लाह ताला के सामने भी जाएगा कि मैं अगर तो मेरे तो माँ बाप ही नॉन मुस्लिम थे, मुझे क्या पता. यस, दैट्स करेक्ट. हाउएवर देखें 3 बिलियन और 2 बिलियन मुस्लिम, 5 बिलियन कन्वर्ट हैं दुनिया. मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लिया. अगला ये हम टैक्स से लेंगे, इसके बाद ना काफी देर से कुछ लोग लोगों ने हैंड रेज किया हुआ, उनसे भी ले लेंगे. यहाँ से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. सर, हाउ किड्स विल बिकम थिंकर्स इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड बाय पेरेंट्स, एज पेरेंट्स डोंट हैव टाइम, व्हाट शुड दीस किड्स, व्हाट शुड दीस किड्स विल डू? मोस्ट प्रोबब्ली दे वोंट बिकम थिंकर्स. आई एम सॉरी, बट क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं इस वक्त दुनिया में सोचने वाले नहीं है. सो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर माँ बाप नहीं बनाएंगे तो बच्चा कोई फॉलोअर हॉर्स बनेगा, चाहे वो मौलवी को फॉलो करे, चाहे वो डॉकिंस को फॉलो करे, चाहे वो अपनी कम्युनिटी के किसी लोकल को फॉलो करे, चाहे अपने शोहर को फॉलो करे या बीबी को फॉलो करे. दे विल नॉट थिंक देमसेल्व्स आउट ऑफ दिस डायग्राम. वो माँ बाप ही ट्रेन कर सकते हैं. सॉरी, या फिर तुक्का लग किसी का तो वेट करें उस तुक्के का. ठीक है. अच्छा, एक हमारे गेस्ट हैं डॉट के नाम से हैं, काइंडली आप अनम्यूट करें अपना माइक और प्लीज क्वेश्चन पूछ लें. अच्छा, मैं खास से वो जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मुझे पता भी नहीं कि मेरा नाम डॉट है, आई थिंक मेरे बच्चे ने किया हुआ है. सॉरी. मैंने पूछना था, आप ये अभी गांधी और परवेज साहब का जिक्र कर रहे थे, तो ये सब कुछ ये पाकिस्तान में क्यों होता है और फिर ये यहाँ पे भी आके यूएसए वगैरह में भी अपने सेंटर्स बना रहे हैं सब कुछ, इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? देखिए, अरब में ना आप कहीं जाके ना, अब तो खैर नहीं, मगर कुछ 100 साल से शरीफ साहब के बाद से जो उनके जो शरीफ हमारे नहीं ये वर्ल्ड वॉर वन से अरब में ना एक बहुत डिटीरेशन आई है. अदरवाइज बरसगीर शुरू से हम लोग शुरू से ही मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, इसकी मिसाल देखें कि पिछले 300 साल में 99% एक एक्सेप्शन आ गई थी और उसको भी मैं गिनना नहीं चाहता. अफ्रीका में आई थी एक्सेप्शन. 99% झूठे नबी हमारे मोहल्लों से निकले. पूरी दुनिया में जितने भी झूठे नबी हैं ना, वो सब के सब पाकिस्तानी और इंडियन हैं. और ये कोई खास इम्तिहान है हमारी जमीन पे क्या? ये कोई खास इम्तिहान है या कोई खास सजा है या टेस्ट है या probably टेस्ट ही हुआ फिर? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी अम्मी और अब्बू हैं और कोई भी नहीं है. ओह, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली करेक्ट जी, और कुछ भी नहीं. मैं एक तफसील में जाए बगैर आपको बता रहा हूँ कि हर किस्म की दीन में करप्शन हमने डाल दी.
अच्छा हसीब अहमद काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछे, काफी देर से आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये क्या रूहानी तौर पर टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है? जिस्मानी तौर पे भी मुमकिन है और अल्लाह की कसम हुई भी है, इसी को मेराज कहते हैं। सर ये फिर कैसे मुमकिन है और कुरान में गौर व फिक्र का क्या तरीका कार है? कैसे मुमकिन है, नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेराज की है तो कैसे हुई है? सर जब मैंने आपका पहली मर्तबा जो लेक्चर देखा था, ये ज़ुल्करनैन का दूसरा जो सियारों पर उसकी आपने बताया था कि उसने पोर्टल के जरिए दूसरे सियारों की सैर की थी, तो उसके बाद मैंने पोर्टल का लफ्ज तो एक कैजुअल लफ्ज है, सबाबा ये अल्लाह ने लफ्ज बोला, पोर्टल तो क्या पता पोर्टल। तो मेरा ये यकीन था जो ये अश्कनाज़ी ज्यूज के बारे में कह रहे हैं जी, वो शेख इमरान साहब ने ये एक अपनी राय दी है उस पे, और उनके अलावा किसी की ये राय नहीं है। डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी ये तो मैं दोस्तों को शेयर कर कर के मार गया हूं कि ये देखो ये तो आज जमा हो रहे हैं, यही यजूज मजूज है। आपको पता है अश्कनाज़ी ज्यूज जो हैं वो स्विस जर्मन ऑस्ट्रियन और लोअर पोलैंड के इस वक्त की टोटल तादाद के 13% इस वक्त अश्कनाज़ी ज्यूज 13% ऑफ ऑल ज्यूज हैं। जी सर ये मैंने बाद में गौर किया कि जब वो उनको छोड़ा जाएगा तो वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब लोगों को लेकर कोई टूर पे चले जाएंगे। जी जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐश जी जी बिल्कुल इंसान नहीं है वो, हदीस से साबित है वो इंसान नहीं है, हजरत अली से साबित है, हजरत हसन से साबित है। बहरहाल द क्वेश्चन इज अश्कनाज़ी ज्यूज जो है वो अपने इसराइल के अंदर सबसे कम तादाद में अश्कनाज़ी ज्यूज हैं। ठीक है, आप खुद सोचें, हमने उनके ऊपर डाल दिया है शेख इमरान के, अल्लाह ताला दर्जा बुलंद करे, उनको आसानी दे, उनके बाकी के काम बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली जो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर उनका काम है, मगर एक ऐसी कौम को आपने जादूद मजूज कह दिया जो अपने भी सबसे कम किल्लत में, अपने मजहब में भी सबसे कम किल्लत की है, सबसे ज्यादा किल्लत की, सॉरी मतलब द लीस्ट अमाउंट इन नंबर्स इज द अश्कनाज़ी ज्यूज। So understand how wrong that opinion is. Yajud Majud ko number se main kyun keh raha hu, aapko pata na Yajud Majud ka number bahut zyada hona hai, kitna hona hai chhodne hai magar bahut zyada hona hai. Waise Jews keh dete to main kehta wo pure nahi utarte, to Ashkenazi Jews to waise hi thode se. Sir kya hai jo Illuminati mind programming kar rahi hai? Ji asal mein pata hai aap क्वेश्चन हम बाकी भी हमने काफी लिए, मैं चाह रहा हूं बाकी के लोगों के भी ले ले। ठीक है, बहुत थैंक यू मच सर। आप जो लिख दीजिए अपना सवाल लिख दीजिए, और आप तंजील अपना व्हाट्सएप के ग्रुप का प्लीज लिंक सबको बताते रहें। व्हाट्सएप का हमारा लिंक जो है वो प्राइमरी हैंडल है, उधर सवाल डायरेक्टली हम ले लेते हैं। अच्छा साइन कर दीजिए, हां साइन इकबाल काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ मैं कुछ लोगों को ना बार बार रोक रहा हूँ, जैसे हसीब के माशाल्लाह काफी सवाल लिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सवाल करना चाह रहे हैं, तो प्लीज डोंट माइंड जी। साइन सर, हम साइंस फिलॉसफी या किसी भी किस्म का सब्जेक्ट पढ़ते हुए न्यूट्रल या गैर जानिबदार कैसे रह सकते अपने अनकॉन्शियस में? ये क्वेश्चन है। नहीं रह सकते, इसलिए इसकी फिक्र ही ना किया करें। आप जब किसी एक स्कॉलर की किताब पढ़ते हैं तो आप उस स्कॉलर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं, तो बायसनेस जो है वो नॉर्मल है, मगर जब तक आप उसका काउंटर आर्गुमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके ऊपर कोई अमल मत कीजिएगा। तो सर जैसे हम एस्ट्रोफिजिक्स लेट सपोज पढ़ रहे हैं और उसमें हम बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन को पढ़ रहे हैं, तो वो तो यानी कि कई जगह पे बहुत वीक आर्गुमेंट्स होंगे, कई जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होंगे, तो हमें कैसे होगा कि हम किस तरह बिलीव करें किसी चीज पे? ये तो उसके काउंटर आर्गुमेंट्स पढ़े ना आप। देखिए फिजिक्स तो खैर एक लीनियर डायग्राम है, लीनियर का मतलब है न्यूटन ने जो कुछ कहा था अपने दौर में वो आइंस्टाइन के दौर में डिसप्रूव हो गया, हमें पता चल गया ना कि ग्रेविटी फोर्स नीचे नहीं खींचती, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ द द प्लैनेट और या सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर सो मच दैट वी नो के न्यूटन ने जो कहा था वो अपने वक्त के दौर पर ठीक कहा था,
मगर आप अब हमें ज्यादा अब ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी है. जस्ट लाइक दैट अब इस्लाम इज नॉट अ लीनियर डायग्राम. ये कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जो वक्त के साथ साथ और बेहतर होगा. इफ एनीथिंग वक्त के साथ साथ और कम ही होगा. सो जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपको रिसेंट मोस्ट डेटा से रिवर्स डायरेक्शन में वापस जाना पड़ेगा. ओके बहरहाल किसी भी मौके पे मेरी बात को अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या पता मैं गलत बात कर रहा हूँ. जब तक मेरे मोतरजीन के आर्ग्यूमेंट्स नहीं आप तक आएंगे या उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट अदर कॉन्सेप्ट क्या है तब तक आप मेरे किसी कॉन्सेप्ट को नहीं मान सकते वरना आप बायस्ड हैं, शख्सियत परस्ती कर रहे हैं आप. अली आप काइंडली अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे ब्रेन के मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं क्या कोई ऐसा साइंटिफिक कोई टेस्ट मौजूद है जो हमारे ब्रेन के केमिकल इम्बेलेंस को बता सके हमें. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे जी. और इस दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारे साथ हमारे फैमिली वाले बिहेव करते हैं जैसे हमारे माँ बाप हैं वो एक सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट करते हैं तो कल उनको इस चीज़ का हिसाब देना होगा जाके आगे. जैसे हमें बचपन से कहा जाता है कि अपने माँ बाप का एहतराम करो लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारे बिहेवियर शेप किए हमारे साथ जो भी किया हमारे बचपन में हमारे साथ जो किया इसका तो इसका उनको हिसाब देना होगा आगे जाके. कुल्लू रायुन मसूला. हर राई अपनी रैयत का का जवाब देगा. ठीक सर थैंक यू सो मच. राई से तो सवाल ही रैयत का होगा. थैंक यू अली. अच्छा एक क्वेश्चन ये अच्छा ठीक अच्छा क्वेश्चन YouTube पे कमेंट क्वेश्चन है. महान पूछे हाउ कैन वी स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली. क्वेश्चन एवरीथिंग स्केप्टिसिज्म को फरोग दें. अल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम की बात के अलावा कोई भी ऐसा इंसान दुनिया में पैदा ही नहीं किया अल्लाह ने उनके बाद जो क्वेश्चन जिसके ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन एवरीथिंग चैलेंज एवरीथिंग. और सामान्य क्वेश्चन किया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है. ये दुनिया के लिए आयत है या आखिरत के लिए. सूरह नजम आयत नंबर 39. अल्लाह ताला दुनिया में मेहनतें नहीं करवाते आखिरत के लिए आए थे. ओके हाउ टू डील दुनिया के लिए मेहनत नहीं करवाते ना दुनिया में तो मेहनत और कहां पे दुनिया में ना दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने कहा अगर दुनिया की मिसाल एक वकात एक मच्छर के पर जितनी भी होती ना तो एक भी काफर जिंदा ना छोड़ते तो खुद ही मार देते हम इसको. दुनिया में कोई किसी भी चीज को आप वैल्यू नहीं देंगे. अल्लाह ताला के आयतों में आप दुनिया को कहीं पे भी ऊपर नहीं पाएंगे हमेशा पस्त पाएंगे. Okay, एक क्वेश्चन है मोहम्मद सलमान के कि देयर इज अ हदीस फ्रॉम इमाम सुयूती इन विच बर्रह हु वाज द स्लेव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइफ शी ड्रैंक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूरिन इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट यू वोंट हैव स्टमक प्रॉब्लम फ्रॉम नाउ ऑन. सो हाउ कैन हाउ टू काउंट Yes. How to counter this argument of an atheist? So he accidentally drank because you have to understand he didn't know. So the Prophet ﷺ was like, "Chal, bless you." Jab tumne pee liya, then chalo. Allah Taala, ye dua hai. And why? मैं इसलिए उस तफसील में नहीं जा रहा. एथिस्ट को क्या पता नबी के मामलात क्या होते हैं. एथिस्ट को तो नहीं समझाऊंगा ना मैं. बस उनको बस आसान करके बताएं कि bless you की दुआ है. सब तूने पी लिया क्या करें. बहरहाल अगर आपको पता चल जाए ना कि नबी अल्लाह ताला ने नबी क्या बनाए तब आपको पता चले कि कितना आसान था ये बात समझना. अब एथिस को तो नहीं पता होता ना नबी क्या होता. तो उनके साथ वो मौलवी टोन में मत बहस किया करें. पहली तो बहस ही ना किया करें. मगर अगर आपने किसी टेबल पे उनको सिला रहमी के अंदर रहते हुए बहस कर ही रहे हैं तो उनको एज एन एथिस्ट बताएं. क्रिश्चियन के साथ बहस करते हो कुरान नहीं कोट करते होते बाइबल कोट करते होते हैं. कुरान को मानते ही नहीं हो क्यों कुरान की आयतें सुनेंगे आप. ओके साहिब भाई मेरी एक सजेशन भी है आपसे कि वो ये कि आपकी कदर और तकदीर के ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर थे जो मैंने सुने हैं लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह लाइव सेशन में आप कदर और तकदीर के ऊपर करें और साथ साथ हमारे क्वेश्चन लें और आंसर दें क्योंकि फिर हमें जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो सारा कुछ. देखिए मेरी कोशिश तो यही है कि कदर और कजा और कदर के ऊपर मेरा सेशन ना हुआ हो
नहीं तो कोई ये मैं तो थोड़ा सा तशवीश का मुझे तशवीश हो रही है कि हमने कजा और कदर पर भी वीडियो कर ली है इसके बारे में मैं वन ऑन वन हमने नहीं सेशन नहीं किया हमने असल में क्वेश्चंस मल्टीपल बार आते हैं तो इसको हमने एक स्लाइटली टच किया हुआ है दो तीन दफा हाँ ठीक है अच्छा मैं आपकी बात समझ गया लेकिन ठीक है मैं इस पे अलग से गौर करता हूँ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से गेस्ट हैं काइंडली आप क्वेश्चन करें ये सुन को आवाज आ रही जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी जी मैंने ये सवाल किया था जरा नाइलिज्म पे किया था वो तो आपने कह दिया कि वीडियो आ रही है मतलब और दूसरा मेरा सवाल ये था कि हमें मतलब दावत दावत के लिए मतलब अगर हमने दावा चूज करनी है अपनी लाइफ के लिए कि मैं दावत देना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें वेस्टर्न फिलोसफी पढ़नी चाहिए या इस्लामिक फिलोसफी पढ़नी चाहिए और उससे पहले मतलब वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ने से पहले मतलब अकीदा क्या सेट होना चाहिए और इसके मतलब क्या डेंजर्स होते हैं कि मतलब बंदा वो अगर कोई पढ़ता है उसको ना पता चले मतलब जैसे आप पहले बता रहे थे कि सीरा पढ़े बगैर आपने फिलॉसफी नहीं पढ़नी आपने इस्लामिक फिलॉसफी भी नहीं पढ़नी सीरा पढ़े बगैर छोड़े यूरोपियंस को वो तो बाद में आते हैं ना सीरा पे जिसको पूरा अबूर हो और वो साइकोलॉजी एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इस्लाम समझ गया हो तब वो आएगा फिलॉसफी ऑफ इस्लाम पे फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिलॉसफी ऑफ अदर रिलीजन्स तो सीरा कहां से पढ़े आप ये बताएं सीरा की सबसे ज्यादा पब्लिश किताब है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर है मतलब सीरा की कोई भी किताब पढ़ लें आप जो कि तफसील कवर करती हो ना पर एक किताब नहीं पढ़नी आपने सीरा की एक से क्या मिलना है एक किताब में तो कभी भी नहीं कवर हो सकता यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट लिखी गई और जियोग्राफिकल स्प्लिट भी हो कि जैसे अरब के लोगों ने सीरा जब लिखी हो वर्सेस जब उन्हीं लोगों उसी इलाके में 50 या 500 साल पहले की जो सीरा है वो देखें बिल्कुल इसी तरीके से आपने मैं तो खैर डेमोग्राफिक बदली है इसको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी करें वेरिएशन भी लाएं कि बरज़गीर के उलमा ने क्या लिखा उनके ऊपर और देन यू विल फाइंड आउट के कितना कितना फर्क है और कितनी ज्यादा चीजें हैं और फिर साइकोलॉजी कैसे क्रिएट करनी है वरना आप साइकोलॉजी क्रिएट नहीं कर सकेंगे अगर आपने डिफरेंट उलमा की लिखी हुई सीरा ना पढ़ी तो साइकोलॉजी कैसे क्रिएट वो तो उस बंदे की साइकोलॉजी क्रिएट होगी जिसने लिखी है अलग अलग स्कॉलर्स की एक ही टॉपिक के ऊपर किताब पढ़ने से आपकी उस टॉपिक की साइकोलॉजी क्रिएट होती है एक ही स्कॉलर की किसी भी टॉपिक के ऊपर जितनी मर्जी किताबें पढ़ेंगे वो उस राइटर की साइकोलॉजी है सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस आई हैव मेड माय सेल्फ एबल टू नादिया नासिर काइंडली आस्क योर क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल यह है कि जैसे आजकल बच्चों के लिए दो एस्पेक्ट से ये एक चीज बड़ी मुश्किल है कि एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है हमारी सोसाइटी में उससे बच्चों को कैसे बचाया जाए और उनकी सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं जिनसे वो इम्प्रेस होते हैं या दूसरे उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो एक इफेक्ट उनसे आता है और एक उनकी फिर अपनी एक साइकोलॉजी डेवलप होती है कि उनके पास भी ये सब कुछ होना चाहिए तो इन दोनों चीजों को कैसे पेरेंट्स हैंडल करें कैसे उनकी अप्रोच को ठीक रखा जाए बैलेंस रखा जाए और ये चीजें उनकी नफ्सियात से निकाली जा सकें पहले वाली क्या चीज थी दूसरी तो थी दूसरों को इम्प्रेस करते रहना हर वक्त फिर उसके रिएक्शन में उनका भी यही दिल चाहता है ना कि उनके पास भी ये सब कुछ होना चाहिए दूसरे जैसे उनको इम्प्रेस कर रहे होते हैं तो फिर उनका भी ये दिल चाहता है कि वो भी किसी को इम्प्रेस करें उनकी भी वही नफ्सियात बनती है वो भी उसी चीज से मुतासिर हो रहे होते हैं कितनी उम्र तक के बच्चों के आपके ज़हन में है जो आप उनको नजर में रख के सवाल कर रही हैं 7 साल प्लस 7 से 12 साल then let them do that and channel it okay channel it while they are doing it you can't stop that ye fitri amar hai main apne aap ko दूसरों से बेहतर करूं किस चीज में करूं अब ये बाद में आएगी बात अगर एक बच्चे को ये फिक्र ही नहीं है कि मैं लोगों से एक बच्चा जो है ना वो रेस में और वो जीत रहा है और मुझे मुझे कोई टेंशन नहीं है ये एक खतरे की बात है खतरे की बात ये नहीं है कि मैं जीतने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी चीज में अब वो किस रेस में है वो तो माँ बाप ही बताएंगे आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम व्हेन दे आर ट्राइंग टू इंप्रेस अदर पीपल
It's not at all a problem. But it is a problem to impress whether they have more money or better looks. It's a later on decision. असल में ना 7 साल 12 साल के बच्चे को समझ कभी आ ही नहीं सकती कि ये क्यों जो है ना गलत है. Because he will take it as an instruction कि नहीं करूँगा तो मतलब मैं ये करूँगा तो अम्मा से सजा या अब्बू से सजा मिलेगी. सजा के डर से तो वो छोड़ देगा मगर उसको समझ नहीं आएगी. After 13th year he will understand कि किबर क्या चीज है and how arrogance actually brews all of those virtues out of your body and your system. So abhi alarm bajayenge kin cheezon pe impress kar rahe hain, ye mat alarm bajayenge impress kyun kar rahe hain dusre ko. Acha acha koi questions hai kuch kya phir hum we should move to their question. Ha bhi kafi zyada questions hai. Hasan aap kindly apna question put kare. righteous wife. So, I mean, the scholars have mentioned a lot of characteristics of a righteous wife, but finding a wife in a culture like Pakistan, I mean, mazrat ke saath or India, I don't find that. Without the involvement of parents and culture and stuff like that, it's really hard to find a wife that really encompasses that righteous thing that the Prophet said. So how do you find that? How do I go about it? You look for her, man. Look for but. नहीं आपको तो साहिल भाई थोड़ा सा थोड़ा define करना पड़ेगा. ये सिर्फ हसन का मसला नहीं है. ये तमाम youth को represent कर रहा है अभी वो. कोमे youth को. नहीं मेरे प्यारे भाई से सवाल ये कि अगर एक खातून सुन ले अगर सवाल समझ आ गया. मैं आपको हसन और आप सबको बता दूं कि पाकिस्तान का मुझे पता है, इंडिया का नहीं. मैं पाकिस्तान को बता रहा हूं कि पाकिस्तान में एक राइटियस वाइफ ढूंढना कदरे आसान है. मुश्किल है मगर कदरे आसान है, मगर राइटियस हस्बैंड ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है. ये दैट्स माय पॉइंट. बहुत ही मुश्किल है. सो ये असल है मसला. लड़कियों को ज्यादा होता है कि हर बंदा ही एक खूनखार किस्म का सेल्फिश एंड डोपामिनर्जिक अपनी अयाशी पूरी करने के लिए कमोडिटी के तौर पे देख रहे हैं. आप जरा डिपेंडेंट हो खातून की तरफ से, जरा एम्पथाइज करें. आपको पता चले ये कि राइटियस वाइफ ज्यादा जरूरी है या राइटियस हस्बैंड ज्यादा जरूरी है, तो चीखे निकलेंगे आपके अंदर से कि नहीं नहीं सर, राइटियस हस्बैंड ज्यादा जरूरी है. No, but the point is that No, that's not your question. I know. I was just trying to top spin it through the thing yeah. that Tanveel and Vikas were just adding on to it. But what I'm saying is that you'll have to look for it. And I know what your question is, so I understand the intensity of the question as well. Chahe wo ladki ho, chahe wo dekhein, aapko phir bade budon ke mashawarat ke saath apna agenda clear karke batana padega. Patli ladki chahiye, ye kaise amma appa ko bata rahe ho? Hamare so bilkul is tarike se amma appa ko involve karna padega ke mere ye mamlaat hain aur mujhe is tarah ki sharait puri karwani hai. Agar nahi ho rahi to you know, थोड़ा वेट करें और फिर अपने फिल्टर्स को जरा सा एक एक करके you'll have to expand those. Otherwise, compromise तो नहीं है इस concept पे, sorry. अगर आपका शोहर जो है, and I purposely am starting with the शोहर concept, and या फिर आपकी बीवी इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करती है कि अल्लाह ताला के अहकाम को you know, के ऊपर नेग्लिजेंट होने पे उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होती, तो इसका मतलब वो किसी और अहकाम को पूरा करने के लिए स्ट्रेस ले रहा है या ले रही है. Okay, so, it's a human being is made to stress. So if he's not stressed about the rulings of Allah subhanahu wa ta'ala or Nabi al-Salaam's direct commandments, then I swear to you he's taking or she's taking the stress of some other guy. There's another human being she's taking stress about. And I'm not saying that you know it is from your area or your locale or your time. It could be somebody else, some other philosopher that actually you know is calling the shots on her thought or his thought process. अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन
मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि एक सवाल ये पैदा होता है कि अब हर बंदे की जो है ना ये दिन मिल गया या मुझे आपका मेरे साथ सेशन भी लॉक हुआ है तो वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर एज़ वेल चलो ठीक है ये सुखचा भी लोगों के लिए ओके या थैंक यू हसन. अच्छा मोहम्मद अफान आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें. मोहम्मद अफान अफान विद एन ऐन उस्मान बिन अफान की तरह जी अफान अस्सलाम वालेकुम अफान जी वालेकुम सलाम क्या है सर क्वेश्चन ये था कि मैंने आपका एक लैंग्वेज सॉरी लेक्चर देखा था लैंग्वेज के ऊपर जिसमें आपने बताया था कि किस तरह जो नेटिव के लिए लैंग्वेज किस तरह इम्पैक्ट करती है और जो सीख के आते हैं उसके कैसा ये पॉसिबल है हमारे लिए. या इसको आप ये समझ लें कि कुछ मेहनत पर डे भी ज्यादा करनी पड़ेगी और वक्त भी ज्यादा लगेगा मगर या इट्स पॉसिबल. क्वेश्चन इज whether it's possible or not, the answer is yes, it's possible. अच्छा इसके बाद कलीम अपना आप kindly सवाल करें. कलीम for some reason मुझे कलीम का माइक नहीं नजर आ रहा. I think there is an issue with his mic. अच्छा मनीबा बतूल प्लीज आप अपना सवाल करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. साहिल भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि इस्लाम म्यूजिक के बारे में क्या कहता है क्योंकि म्यूजिक तो आजकल हर जगह है. क्या है, फोन की रिंगटोन होगी या टीवी का कोई ऐड हो गया, हर जगह म्यूजिक है तो हम उसे एस्केप नहीं कर सकते. तो कुरान और इस्लाम क्या कह रहा है म्यूजिक के बारे में कि ये वाकई हराम है, कानों में सीजा पिघलाया जाएगा या फिर ऐसा कुछ. म्यूजिक आई थिंक वी हैव इस पे एक वीडियो भी है हमारी म्यूजिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर. हां वो मैंने देखी है लेकिन म्यूजिक तो हर जगह ही, आप जहां पे भी चले जाए हर जगह म्यूजिक ही म्यूजिक है तो हम कैसे बचें इससे. आपका नाम क्या है? सॉरी मनीबा बतूल. मनीबा असल में ना हम आप किस शहर से हैं? मैं जेलम से. जेलम ओके. तो जेलम में इस्लामाबाद बड़े शहर जो है ना जितने भी आप जरा जेलम से आगे जाए ना तो आपको ऐसे गांव मिलेंगे जिनको पता ही नहीं होगा इनके लोगों को म्यूजिक क्या होता है. दुनिया पूरी नहीं म्यूजिक सुनती है, हम बस शौकीन किस्म के लोग सुनते हैं. तो इस्लाम के बारे में क्या क्या सजा देता है, क्या कानों में सीसा पिघलाया जाएगा? जी अगर आप म्यूजिक को हलाल समझना शुरू कर दें तो शायद ऐसा मामला हो. अगर हराम समझ के ये काम कर रहे हैं कि है तो गलत मगर हर जगह पे हो रहा है तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला सबको माफ कर दे. जी सही. वैसे अगर हम लोग टाइम आता है कुरान की तरफ हम लोग जब करें तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक हमसे छूट जाता है. जब भी हमारी रुझान और अपनी साइकोलॉजी की तरफ हम उसे बेहतर करें तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक से हम दूर होना शुरू हो जाते हैं. नीबा आप अपने जेलम में ना आप अपने जेलम में किसी भी लोकल जो जिसको भी आपके घर वाले आप आई एम अस्यूमिंग यू 15 और 14 आई एम दैट्स हाउ आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट हैव दिस पिक्चर. नो आई एम 20. Okay, so well, you should ask the mufti of the area, jo ke aapko pata ho ke aapke because this is a haram halal question you're asking. I cannot comment black and white fatwa on it. To fatwa nahi main aapse mang rahi, main pooch raha hu agar main music sunu kyunki main sunti rehti hu music to usse kya hoga, saza milegi? Ha to fatwa hai, fatwa hai. क्लियर जवाब नहीं दे रहे मुझे. मैंने आपसे कहा कि आप इसको गलत माने और कोशिश करें कि उसको दूर रखें अपने आप. ना सुनूं? जी बिल्कुल ना सुनूं. मैं पियानो बजाती हूं, गिटार बजाती हूं तो फिर वो भी मैं जो असल में बोला है. असल में मैं बजाती हूं पियानो तो मतलब तो सुनती थोड़ी आप म्यूजिक बनाती हैं. अगर सिर्फ मैं सिर्फ म्यूजिक बजा रही हूँ कि इसकी लिरिक्स गलत नहीं है, कोई हराम बात नहीं मिकारी, कोई शिरकिया बात नहीं मिकारी, इट्स जस्ट अ म्यूजिक और इसके लिरिक्स भी ठीक हैं जैसे कलाम भी तो होते हैं ना,
तो क्या ये भी गलत है, ये भी मैं छोड़ दूं? कलाम, कलाम भी तो होते हैं ना, पाक कलाम जिन्हें हम बोलते हैं। हम नहीं बोलते, आप बोलते हैं मरीबा, मैंने तो नहीं बोला आज तक। तब बोलते हैं ना कि कलाम है, पता नहीं क्या है आजकल आप तक पता नहीं क्या है, तो कलाम है। कौन सा कलाम है बताएं, कुरान पाक को म्यूजिक में डालने की तो नहीं बात कर रही आप? नहीं नहीं, ये सूफिया, ये सूफिया, हाँ सूफिया जैसे शिकवा जो आप वो शिकवा जवाब है, शिकवा कोई कलाम, वो तो इकबाल की शायरी है, ठीक है? हाँ ना, वो अगर उसको म्यूजिक में गा रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि हम म्यूजिक में उसे लेकर आ रहे हैं। आप मेरे से पूछ रही हैं, मेरी राय में गलत है, सरासर गलत है। आप ये बताएं मुनीबा, आसान सा सवाल बताएं, कुरान पाक की आयतों के पीछे गिटार क्यों नहीं बजाती आप? क्योंकि उनके पीछे अल्लाह ताला ने ये हदीस है ना कि क्यामत की निशानी है कि कुरान पाक की आयतों को अगर म्यूजिक में लेकर आया जाए तो ये तो क्यामत की निशानी है ना। बेटा मैंने आपसे कुछ और पूछा, जरा सोचें, खुद सोचें कि सूरह फातिहा के पीछे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते हम? क्योंकि उसमें वैसे ही बड़ी मिठास है। ये वजह है, इस वजह से आपने गिटार पे नहीं अभी तक किया कुरान पाक? कुरान और म्यूजिक मैं अलग अलग समझती हूँ। तो पर ठीक है, आपकी फितरा जो है ना, फितरा उसके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, there's something wrong, I just can't fit both of these things in the same cabinet, समझे? बस अंदर की आवाजों को सुने इंशाल्लाह। Okay, but वो वीडियो जरूर देखें म्यूजिक पर। Now I understand why Tanzeel was referring. वो वाली वीडियो दो तीन दफा देखें, आपको पता चलेगा। उसमें आपने बताया कि डोपामिन रिलीज होता है दिमाग से, और अगर उसकी जड़ी बुरी है तो फिर उसके फल क्या अच्छे होंगे, ये आप बता रहे थे उस वीडियो में। नहीं 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 नहीं, डोपामिन का चले मैं समझ गया आपको, यू गॉट द आंसर, सो सिंस आई वांटेड टू चैनल यू, आपके तवज्जो से ना मैं बाकी सबको इस तरफ से लेके आना चाहता है कि म्यूजिक इटसेल्फ इज अ, म्यूजिक की वजह से जितना डोपामिन का मसला चल रहा है ना दुनिया में, और किसी और वजह से नहीं चल रहा इतना ज्यादा, इतना बड़ा डोपामिन का सेंटर जो है ना, डायलेशन का रीजन है म्यूजिक। मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि मैं गिटार पियानो पे सिर्फ सिंपल म्यूजिक बजाना छोड़ दूं? जी छोड़ दें, चलें से ये कोशिश करूं। टेक हर हैंड एंड देन टेल हर डोंट डू इट। या नहीं, मैं आपने सीधा सवाल किया, मैंने सीधा जवाब दिया। यू आर 20, ओके, यू आर अ बिग गर्ल, यू आर 20। 50 60 साल पहले ना 20 साल की खातून इलेक्शन लड़ती होती थी, आपको पता? नहीं मुझे नहीं पता, चलिया पता चल गया। और 500 साल पहले 20 साल की खातून जो है वो शी वाज एन ओल्ड वुमन, उसके 5-7 बच्चे होते थे। सो यू हैव टू बी अ डिसीजन मेकर, ओके? ओके, ओके, थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू सेल्फ आउट, थैंक यू मनीबा, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद वो कास्ट, कैन वी can you move on to that particular question from, you know, the one we left for the end of the session, the girl that was asking about why did Allah made us go through this test? हाँ बिल्कुल साहिल भाई, गलती से मुझसे ना, मैंने आपको म्यूट कर दिया, प्लीज अनम्यूट करें अपने आपको। और बिल्कुल तंजील वो क्वेश्चन करो, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा साहिल भाई, मेरा सवाल ये, जो उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन किया है, आई फॉरगॉट नेम, जो भी थी खातून, धवान एट द एंड ऑफ द नेम, अब वो ये कह रही है कि अल्लाह ताला ने, व्हाई डिड अल्लाह सुब्हान व तआला मेड अस गो थ्रू दिस टेस्ट, ठीक है? अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में एक, या बट द टेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड दैट वी ह्यूमन आर गोइंग थ्रू, कि हमें वो इस टेस्ट में क्यों हम आए? अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया कि हमने ये जो टेस्ट था इसको पहाड़ों पर भी पेश किया और बाकी चीज़ों पर पेश किया, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया, लेकिन इंसान जो था वो जाहिल था, उसने इसको कबूल कर लिया। The question is why was it created, the test? Yeah, no, yeah, I have a follow-up question, कि चलिए आप पहले इसका जवाब देते, फिर मैं अपना क्वेश्चन करूंगा। No, no, I thought you were answering the question. No, no, I'm so sorry. I thought no, I'm not answering. Okay, आप बताएं ना। मैं उसको लिंक कर रहा हूँ। I'm trying to link it with this particular ayah. Allah subhanahu wa ta'ala said that I presented this, you know, this test to mountains
and other things, but the divine and human being, so they denied it and they didn't accept, but man accepted it, and it and he accepted it in out of his ignorance. Jahula ka word jo use kiya Allah subhanahu wa ta'ala ne. Ab mera question hai ki jab Allah tarah zulm kiya, ab Allah tarah ne, when Allah subhanahu wa ta'ala presented this this test to all of these creations like samawat, ard, jibal and human beings, at that particular time ye sab cheeze kis form mein thi? Ye koi nafus tha, yani ki kya pahad ban chuka tha? Yani agar main accept na, agar human being ek entity tha, ya human beings sabke sab jitne aaj tak 7 arab muslim insaan aaya, isse pehle bhi aaye, jitne 20 arab qiyamah tak aayenge, sabke sab sawal, matlab wo kis surat mein present the, unhone kaise accept kiya isko, kaise deny kiya? Iska jawab to hai na, aap ye dekhen ki insaan kya apni isi halat mein arwa mein tha? तो फिर समावात, अर्ज और जिबाल, ये सब चीजें क्यों आप अपनी लेटर हालत में देख रहे हैं? इनको भी एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर भी दें, जो कि जैसे कि इंसानों का अपना एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर आपने कायम रखा है रूह के तौर पे। बहरहाल लंबा बहुत आपने जो सवाल किया उसके लिए कुछ 5 घंटे लगेंगे, मुझे एक शाखा अलग करेंगे, आपको भी पता है इस बात का, इसके लिए हमने एक अलग से वक्त मुख्तस करना पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से हम ना एनी धावन के लिए एक प्रॉपर ये सवाल सेव कर ले और इस पे हम प्रॉपर एक सेशन करते हैं जो इस चीज को एड्रेस करते हैं। या वेल वी विल हैव टू टॉक टू हर, वी विल हैव टॉक टू हर इन 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 अ सेशन वेयर शी शुड आस्क ऑल ऑफ हर क्वेश्चंस एंड वी कैन एक्चुअली कंपोज अ सेशन अराउंड इट। There is also suggestion. There is also suggestion on Zoom. Somebody has asked us that can we arrange a separate session for non-Muslims, because they are, the Muslims from India are asking this question, that they have non-Muslims relative or friends. Can we arrange a separate session for them? I think she can join that session. If we arrange a session for non-Muslim, they can ask these kind of questions, particularly. Yes, of course. They are on high priority. Muslims ko hum baad mein baat kar lenge. Ab befikar rahein. Do it and we will prioritize it. जब अल्लाह ताला ने पहाड़ों को और सबको कहा, तो उसमें प्लीज आप ये भी क्वेश्चन एक रखिएगा कि आपने एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि हम अपनी मर्जी से इस टाइम में आए हैं कि हमने दुनिया में इस टाइम पे जाना है। तो जब हमें, अगर ये बात है तो हमें जब पता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम पे दुनिया में आ रहे हैं, तो हमने क्यों नहीं चूज किया कि हम भी उनके साथ आते? क्योंकि हमें भी पता था कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक भी कोताही की है ना, तो उनको कितने सौ सैकड़ों किस्म का गुना, हजारों लाखों गुना ज्यादा सख्ती हुई है, और हमारे दौर में हजारों गुना कोताहियां करने के बाद भी वो सख्ती नहीं हुई, इसलिए हमने एक मैथमेटिकल चॉइस की हुई है। इतना आसान नहीं है साहबी होना। तो सर, क्या उस टाइम भी हमारे दिमाग में ये क्या कह सकते हैं इसको, शातिरपन, या ये एक समझ बूझ हमें इतनी थी कि हम उस टाइम आ सकते हैं या हम बाद में जाएं? शातिरपन ही, ये आई थिंक इट वाज अ कैलकुलेटेड डिसीजन, एंड इफ इट वर नॉट द लव ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एनी एंड एवरी अदर थिंग जो है, जो भी उनके अलावा, उनकी मोहब्बत के अलावा जो मेरे दिल में है, वो सब के सब के को देखने के बाद लगता है ऐसे ही है कि उन नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अलावा कि ये डिसीजन हमने ना बड़ा सोच समझ के किया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने डायरेक्टली कह दिया ना कि तुम मेरे साहबी हो, मेरे भाई अभी आने हैं। साहबा ने कहा हम आपके भाई नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम मेरे साहबी हो, भाई तो मेरे एंड के टाइम में आने हैं, जो बगैर देखे मेरे ऊपर ईमान लाएंगे और वही काम करेंगे जो कि इसी स्टैंडर्ड के ऊपर, जिसके स्टैंडर्ड के ऊपर आप कर रहे। सो कोई कमी कोताही इस तरीके से नहीं सोचेंगे, साहबा को नबी अलैहिस्सलाम मिले थे तो उनको अल्लाह ने ज्यादा उनके ऊपर रहमत की हुई है और हम पे कम। अल्लाह ने हमारे ऊपर किस तरीके से रहमत करनी है, वो अल्लाह ने बैलेंस कैसे करनी है, वो अल्लाह का मामला है। देखेंगे हौज़े कौसर पे कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को की चेहरे पे मुस्कुराहट किसको देख के ज्यादा आती, हमारे या ताबईन के। सही। अच्छा सर, आप लोगों ने अपने एक प्रोग्राम में कहा था, लाइव सेशन में यूट्यूब पे,
कि अल्लाह ताला की रहमत की सवारी जो है वो कभी परेशानी या बीमारी लेके आती है, तो एक तो मुझे ये क्लियर करें कि ये आयत है या हदीस है, दूसरा मुझे ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की रहमत की सवारी है या ये हमारे अपने अमाल की वजह से परेशानी है या ये शैतान की तरफ से है। शैतान तो ना बीमारी लेके आता है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि वो ये मैंने कमेंट किया था और वो मैंने किसी आलम की कोटेशन, किसी आलम ने लेक्चर के दौरान ये बात की थी कुरान की तफसीर के दौरान। जी बिल्कुल, आप दोबारा रबीउल अव्वल के, तो वो जी वो मैंने वो की कोई आयत या हदीस नहीं थी, ठीक है, वो एक आलम की इंटरप्रिटेशन थी तो जो मैंने कोट की थी, मुझे बात अच्छी लगी मैंने शेयर कर दी थी। इसमें कितनी सदाकत है, किस हद तक ये ठीक है? बिल्कुल 100% दुरुस्त लगती है, क्योंकि हदीस बड़ी क्लियर है कि दुनिया की जितनी मुसीबतें हैं वो आखिरत वाले दिन लोग तरसेंगे कि मेरे पे कम मुसीबतें, ज्यादा मुसीबतें क्यों नहीं आईं। सर वो अल्लाह वाली, अल्लाह ताला की तरफ से जो ये नागहानी आफत है, ये जो हमारी अपनी जबान की, जो जबान की दराजी है, ये जो हमारे अपने अमाल हैं या इस पे, हमारे अमाल की बिना पे भी जो मुसीबत आती है वो आखिरत के अज़ाब को कम ही करती है ना। आप क्या चाहेंगे कि आखिरत में अज़ाब मिले या दुनिया में, आप बताएं। सर मैं तो दुनिया ही कहूंगी। जी हाँ बिल्कुल सही कहेंगे, आखिरत नहीं कहूंगी। तो हमारे अमाल की अगर सजाएं दुनिया में मिल रही हैं तो ये तो फायदे की बात है ना। अच्छा साहिल भाई, मेरे ख्याल से अब काफी टाइम हो गया, हमारा जो सेशन का टाइम था उससे हम काफी आगे आ चुके हैं। सवाल खत्म? नहीं सवाल तो खत्म नहीं हो। वन लास्ट क्वेश्चन, ये एक इत्साम क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले भी कहता है, इज डोपामाइन अदल एंड ऑक्सीटोसिन रहम, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव डिलेड दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट सेशन मेनी टाइम्स। डोपामाइन इज नॉट एट ऑल अदल, कहीं से भी डोपामाइन अदल नहीं है। इफ एनीथिंग अदल के खिलाफ जाने वाला जो केमिकल है वो है नफ्स, नफ्स को एक्साइट करने वाला केमिकल जो है डोपामाइन है। अदल का कोई दूर से भी ताल्लुक, बल्कि उलट है, डोपामाइन अदल के खिलाफ उकसाता है हमें, अपना मुझे मिल जाए, मुझे मिलना कौन सा अदल है, जिसका बनता है उसको मिल जाए ये अदल होता है। So, dopamine is not adal. दूसरा क्या था? दूसरा, सॉरी सर, फिर जब इंसान के अंदर जब नफ्स के साथ जंग चल रही होती है, जैसे जब भी कोई इंसान पॉजिटिव काम कर रहा होता है तो उसके जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं, तो फिर ये इसमें किस चीज का किरदार होता है, इसमें कौन सा केमिकल फिर इन्वॉल्व होता है? जैसे कि मैं जैसे नमाज पढ़ रहा होता है इंसान, उसके अंदर बहुत से नेगेटिव ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, या कोई भी ऐसा पॉजिटिव काम करने लगे तो नफ्स के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम कौन सा केमिकल इन्वॉल्व होता है? क्या नेगेटिव ख्यालात, पैसे खत्म हो जाएंगे, जैसे दिल के बारे में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं नमाज के अंदर, किस दीन के बारे में? लाइक एन एग्जांपल, बंदा नमाज पढ़ रहा है उसको उल्टे उल्टे ख्यालात आना शुरू हो जाए नमाज में, तो इसका केमिकल से क्या ताल्लुक है? हाँ जी सर। अच्छा ये सवाल आपका ही है कि कौन सा केमिकल है। और ये ऐसा क्यों होता है सर, जब भी कोई मतलब कोई भी ऐसा दीन का काम कर रहा हो या कोई भी बंदा पॉजिटिव काम कर रहा हो तो एक नेगेटिव सोच इंसान को बार बार हिट कर रही होती है? शैतान है ना, और क्या है, शैतान वो वाले केमिकल ख्यालात लेके आता है। नबी अलैहिस्सलाम से जब साहबा ने पूछा ना मेरी आपकी नमाज क्या नमाज होगी, साहबा ने जब खुद पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम हमें नमाज के दौरान जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन के ख्याल आते हैं बहुत इधर उधर के, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसका जवाब अबू बकर देंगे। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा कि दो घर हैं, एक घर बिल्कुल खाली है और एक घर में सोना पड़ा हुआ भरा हुआ सोने से, तो आपका नाम क्या है सर? आपका नाम मुझे नहीं पता चला। अली सर, अली। अली, तो अबू बकर सिद्दीक ने भी मस्जिद में साहबा से कहा दो घर हैं, एक घर खाली है और एक घर में सोना है, तो चोर किस घर में आएगा? तो अली आप बताएं चोर किस घर में आएगा? सर उसी में आएगा जिसमें कुछ होगा सर। तो बस यही जवाब अबू बकर सिद्दीक ने साहबा से दिया नबी अलैहिस्सलाम के कहने पे कि अगर नमाज में उल्टे पुल्टे ख्याल या डिस्ट्रैक्ट होंगे पैसों के, जॉब के, दफ्तर के, शादी के, ज्यादातर लड़कों को शादी के ख्याल आते हैं, तो जो भी आते हैं वो तभी आते हैं क्योंकि शैतान को नजर आता है कि इधर सोना पड़ा है, इधर ये नमाज ठीक पढ़ने लगा है, तो
तो इसको डिस्ट्रैक्ट करो. तो जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो मुस्कुरा दिया करें अल्लाह ताला के हुजूर के मेरी नमाज ठीक थी वरना ये शैतान ना आता. ठीक सर. और सर एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप में वो जो सूफीज्म वाला क्वेश्चन किया था कि आप मेटाफिजिक्स के तो मानते हैं लेकिन सूफीज्म को नहीं मानते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो हील होते हैं सूफीज्म के थ्रू, या जैसे पीटीवी पे एक प्रोग्राम चलता था कसीदा बुर्दा शरीफ और सूरत रहमान का मैसेज होता था, उसके थ्रू बहुत से लोग हील हुए जिसमें कैंसर के पेशेंट्स भी थे, और कसीदा बुर्दा शरीफ के थ्रू फालिज के बहुत से पेशेंट हील हुए. तो इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे सर? ये भी तो एक मेटाफिजिकल चीज़ है ना, इसमें तो म्यूजिक था सर, जैसे मौला या सल्ली व सल्लम दाइमन चलता है, उसको लोग सुनते थे और उससे हील हुए हैं बकायदा. तो जी सर, अगर म्यूजिक से हील होते हैं तो फिर एरोस्मिथ को कैंसर ना होता और क्वींस एड से ना मरता पूरा बैंड ही. म्यूजिक का कोई ताल्लुक नहीं हीलिंग से. ये अल्लाह ताला के कलाम में शफा है तो 100% हदीस से साबित है. सूरह फातिहा के थ्रू तो सांप के जहर का भी इलाज निकाला था भाई साहब ने, और अल्लाह के कलाम में क्यों नहीं है शफा? 100% शफा है. और मैंने कब कहा कि ये मेटाफिजिकल के ऊपर मेरा बिलीफ ही, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बिलीफ ही मेटाफिजिकल पे है, हम तो रूह पे मानने वाले हैं. और मैं तसव्वुफ का मानने वाला हूँ, मैं पाकिस्तानी इंडियन को तसव्वुफ के खिलाफ हूँ, वरना तसव्वुफ में क्या मसला है? सर इस पे भी काइंडली एक डिटेल्ड वीडियो बनाए सर, काइंडली. जी अली इंशाल्लाह. पिछली दफा हमने इस पे इसका वो मेरे पास एजेंडा में आ गया, खास टाइम स्लॉट भी आ गई है, उसी पे बहस हो रही है मेरी टीम के साथ कि वो कब करनी है बस. जी अच्छा, अब कलीम आप अपना क्वेश्चन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं कि मैं मेरे ख्याल से जो बार बार पूछ रहे हैं हमें अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा. सॉरी कलीम सर, ये कि हमारे बड़े में आवाज आ रही है आपको. जी क्वेश्चन करें आप. हेलो. हाँ साहिल भाई, मेरा सवाल ये था कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारे फिलिस्तीन में या चाइना में मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, तो एक कॉमन मुसलमान जो है, आपने जवाब दिया था कि ठीक है हम अपनी रीडिंग की तरफ, थिंकिंग की तरफ अपने आप को देखें, तो जो एक कॉमन मुसलमान है वो encourage. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बस करेज का एलिमेंट मिस किया उसको. करेज हो, रीडिंग की तरफ जाए, थिंकिंग की तरफ जाए, लेकिन एक कॉमन मुसलमान है जिसे पता है कि अभी जो है हालात इस तरह के नहीं है, हम चलें रीडिंग की तरफ जाएं, सब कुछ करें, लेकिन जो उधर जो मुसलमान हमारे बहन भाई जो जिनके साथ जो सब कुछ हो रहा है, तो क्या हमारे से उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि हम अपने बच्चों को तो यहाँ पर तालीम दे रहे थे, खुद पढ़ रहे थे, लेकिन उनका क्या होगा, उसके बारे में सवाल होगा? मेरा तो ख्याल है कि पहला सवाल ही हम सबसे फिलिस्तीन का होना है. आपके समझ मिस टाइम वो अल्लाह के यहाँ तुक्के तो नहीं है ना, हम जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त ये मसाइल थे, तो हमसे उन्हीं मसाइल का सवाल होगा. तो बिल्कुल वही है, तो प्रायोरिटी हमारी रीडिंग की तरफ होनी चाहिए या उनकी तरफ होनी चाहिए, उनको बचाने की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो कर सकता है जो उसकी कैपेसिटी है, मुसलमान तो वही कर सकता है. तो नीड ऑफ द आर ये नहीं है कि पहले हम उनको उनकी वो प्रायोरिटी हो हमारी. नहीं, मैं बच्चों के लिए कह रहा था, बच्चे ने जाके फिलिस्तीन में क्या कर लेना, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के ऊपर लाएं कि हक बात को वो समझने की ताकत रखता हो ना. वरना आप बताएं कश्मीर में, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कश्मीर में यूएन की कौन सी रेजोल्यूशन है और उसके ऊपर कौन सी जगह पे आके अड़फस इंडिया और पाकिस्तान की चल रही है, यूएन क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, आप बताएं जरा. सर मेरा तो इतना सीधी बात है, इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो आपसे मुताला, इसलिए मैंने कहा था बच्चों को ना मुताले के ऊपर लगाएं कि पता चले कि मसाइल हैं क्या. अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि सिर्फ रीडिंग नहीं, मैंने कहा बचपन में ही करेज के एलिमेंट को डालना जरूरी होता है. बच्चा अगर बचपन से बहादुरी के ऊपर और हिम्मत के ऊपर, बहादुरी का लफ्ज हम जरा किसी और साइकोलॉजी में लेते हैं, हिम्मत उसके अंदर नहीं डाल रहे ना तो बाद में नहीं चलती. आप खुद बताएं आपकी बेटी को खुदा ना खास्ता रोड पे कोई मसला हो तो आप क्या समझेंगे, आप क्या चाहेंगे कि बा हिम्मत मुसलमान पावे हो या बुजदिल किस्म के मुसलमान खड़े देख रहे हो? हम सब चाहेंगे कि मेरी बेटी पे खुदा ना खास्ता को मसला हो तो उसके इर्द गिर्द वहां पे बा हिम्मत मुसलमान हो जाके उसको बचा सके. जब हमारी बेटी की बारी आती है तो हमें वही वाले एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं ना, कॉमन सेंस है. ये मुसलमान सेंस नहीं है, इस्लामिक सेंस नहीं, कॉमन सेंस है. हम इस्लाम उस कॉमन सेंस को अपने
معاملات کے اندر پوری طریقے سے ابزارب کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے, کس بات کا سوال کرنا ہے, کہ اپنے بچوں کے خلاف کے بارے میں تو ہمیں پورا کا پورا اسلام یاد آ رہا تھا, یا فلسطینی بچی کو کوئی درندہ پکڑتا ہے تب ہم کہتے ہیں نہیں وہ خیر ہے اس کا اور لوکل پولیٹکس کا معاملہ ہے. سو اٹس ناٹ اے سمال میٹر نا. سوال سر میں بالکل سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کو, لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں ان مسلمز کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کو میں اسی سینس سے جواب دیتا ہوں کہ ایک لڑکی کو اسلام آباد اسی روڈ کے اوپر پانچ سات لڑکے جو ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں. اب میں کچھ نہیں کر سکتا کہ میں ان کو جا کے پکڑ لوں اور بندوں کو اور دھلائی کر دوں ان کی, یا پھر کسی اور طریقے سے فزیکلی ایم ناٹ کیپیبل. سو واٹ ایم آئی گونا ڈو دین, میں اس وقت کیا کروں گا؟ سوچیں ذرا, آنسر اسی کے اندر ہے, اسی مثال میں میں انیٹ مورالٹی کو انووک کر رہا ہوں. لوگوں کو بتاؤں گا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو نبی اسلام نے کہا نا یہ تو کم ترین سب سے کم ترین درجہ ہے کہ میں صرف برا ہی مانتا ہوں کہ فلسطین میں برا ہو رہا ہے بس. وہ اس طرح کے مسلمانوں نے کیا اسلام کو کیا خدمت کرنی. اچھا طلحہ کائنڈلی آپ اپنا کوسچن اینڈ نوٹ کر دوں, یہ سوال بہت ضروری تھا. تو جو میں نے کہا نا بچوں کو مطالعہ کریں تو وہ ان کی زبان کو جو نبی علیہ السلام نے دوسرا درجہ بتایا کہ وہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. کیسے زبان سے روکیں گے؟ آرگیومنٹیشن کریں گے نا, لائرشپ میں جائیں گے, آپ لوگوں کو پھر اکٹھا کرنے میں آسانی ہوگی. اور دس از وائی سیڈ میک دیم گیٹ دی فیکٹس ان, میک دیم ریڈرز اینڈ تھنکرز, دین دے ول بی لائک اوکے آئی ایم ایٹ سٹیج ٹو ناؤ. سٹیج ون پہ تو کافر کے بچے بھی فلسطین پہ رو رہے ہیں, یورپ میں بیٹھے کے بیچاروں کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے. اس کے اسلام بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کم درجہ, وہ تو بس بیسک انسان ہوئے ہیں. بس مشکل سے بھی آپ مسلمان نہیں ہوئے, اور پھر مسلمان کے بعد مومن ہوتا ہے جو ہاتھ سے سب سے پہلے ہوتا ہے. یو نو وی ول اسٹارٹ ود دی ہینڈ. جی اچھا طلحہ کائنڈلی میرے خیال سے ہم یہ کوشش کریں گے لاسٹ کوسچن میں. طلحہ آپ پوچھیں. سویرا لائن پہ اچھا چلیں وکاس, ہم جو ہے نا ہم بات کے کوشچن لے لیتے ہیں. ہی از اے ویری انتھوزیاسٹک فالوور, وہ ہی از بین آسکنگ اگین اینڈ اگین, اب کمپلین بھی وہ کر رہے ہیں. تو ان کے دو تین کوشچن ہیں, وی ہیو آلریڈی ایڈریس دیز کوشچن. وہ ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ سورہ کہف میں جو آپ نے کی ورڈس کا ذکر کیا تھا جن کے تھرو کہ یہ پورٹلس کھول سکتے ہیں, تو وہ کی ورڈز ان کو کیسے ملیں گے؟ اور سیکنڈلی اگر ان کو مل جاتے ہیں تو وہ ہم اس کا ہم کیا استعمال کریں؟ دجال سے بھاگنے کے لیے پورٹل کھول کے نکل جائیں, دنیا سے دور بھاگ جائیں, ہم کریں کیا اگر ہمیں مل بھی جاتے ہیں؟ اور ٹائم ٹریول ہم کیا, جی تیسرا یہ پوچھنا ہے ٹائم ٹریول ہم کی ورڈز ہیں جو کہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو وہ بولنے سے پورٹل کھل جائے گی, ایسا وہ نشانیاں آئیں جیسے جیسے کہ صدفین کا لفظ ہے, وہ ایک عام سا لفظ نہیں ہے. سببا کا لفظ عام سا لفظ نہیں ہے. جو معاملہ صحاب کہف کے ساتھ ہوا وہ عام سا واقعہ نہیں, اس کے تھرو ان کی دولا بنا اعلیٰ اذان ہی, یہ ان کے کانوں کے اوپر ہی ضرب کیوں لگائی گئی؟ یہ ساری کیز ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں پکچر کو لوڈ ہے, اور پکچر کے پزل کے پیس ملتے ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنی پڑتی خود. اب رہی بات کہ کیا مجھے پورٹل کھولنی آتی ہے تو دجال کے ٹائم پورٹل کھول کے بھاگ جاؤں گا. ہاں اگر آتی ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ رہے گا نہیں, ورنہ آپ کو فرائی کر دے. اگر آپ کو آتی ہے تو اس کے علاوہ کیا چارہ ہے؟ اس کو خدا مانیں گے یا پھر جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کریں گے؟ تیسرا کیا معاملہ ہے دجال کے ٹائم پہ؟ وہ وہاں پہ تھرڈ پارٹی کوئی نہیں ہے, یہودی بھی مانتے ہیں تھرڈ پارٹی بچے گی نہیں کوئی, یا تو آپ ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے, اور ادھر والوں کو تو وہ مار ہی دے گا. اس وقت ہمارے دلوں میں یہ بھانا ہوگا کہ خیر ہے, ابھی مان لو جان بچانے کے لیے تو ہمارے بھی یاسر میں نے بھی مطلب ہم جان بچانے کے لیے خیر ہے اگر ہم اس کو مان لیں. زیادہ تر لوگ تو اس بہانے سے مان لیں گے اور باقیوں کو مروا دیں گے, یہاں سب ہی مان گئے تو ہم کیوں رکے ہیں. میرا جی ٹھیک ہے, آئی تھنک وکاس وی شوڈ کنکلوڈ ناؤ.
Yes, Talha, I think वो तो इसलिए कह रहा हूँ हदीस से साबित है ना, इसलिए बता रहा हूँ. जो गीहॉन स्प्रिंग है, गीहॉन स्प्रिंग वो आबे जमजम और फरात नील. और मैं अजीब सी बात करने लगा हूं, मगर ये खाली चार नहीं है, और भी बहुत है, पर इन चार के बारे में पता है. और कोर दरिया जो इस वक्त अब खुश्क हो गया, पहले अरब में ही बहता था, और मेरा गालिब गुमान है कि ये अपना गंगा भी पोर्टल से है. जी अच्छा, ये हम मेरे ख्याल से ये वो पानी के जखीरे हैं जो जन्नत से डायरेक्टली निकल रहे हैं या सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकल रहे हैं और दुनिया में बह रहे हैं. ये उन्होंने सवाल पूछा, मैंने पूरा कर दिया. ये होम स्कूलिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ है हमें व्हाट्सएप पे, जाते जाते जी पूछे. अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिनके माँ बाप एजुकेटेड नहीं हैं उनके बच्चे तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, यानी कि माँ बाप पढ़े लिखे, अगर हम टीचर हायर करें तो एक एक या तीन तीन बच्चों के लिए टीचर आ गए तो इसमें उनका बहुत खर्चा होगा और टीचरों की कमाई होगी, जितने पैसे वो स्कूल में दे रहे थे वो टीचर्स को देंगे, और वैसे भी हमारे यहाँ हर कोई इतना अच्छा टीचर भी नहीं होता. लेकिन मुझे आपका कॉन्सेप्ट ठीक लगता है क्योंकि मैं ऐसा ही सोचता हूँ. उनका सवाल ये कि क्या करें अनएजुकेटेड माँ बाप, कैसे करें होम स्कूलिंग. आप में पता नहीं क्यों ये मफूजा ले ही जा रहे हैं आप भी और बाकी लोग भी, कि मैं जब होम स्कूलिंग कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अम्मी पढ़ाएंगी अबू. होम स्कूलिंग का मतलब अम्मी और अबू के पढ़ाने का कोई ताल्लुक नहीं है. पढ़ा सकते हैं तो क्या ही बात है, ये तो आप सोने पर सुहागा है. नहीं पढ़ा सकते तो उस्ताद जितना स्कूल में जाने पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं. यू नीड टू फाइंड आउट द राइट मैन फॉर दैट जॉब. और जॉब वो सब्जेक्ट की किताब पढ़ाने की तो है नहीं ना, होम स्कूलिंग इज अ वे लॉन्गर टेन्योर विद द टीचर एंड द स्टूडेंट. तो वो आपको देखना पड़ेगा. माँ बाप की जरूरत नहीं है उसके लिए. आपके सवाल का जवाब बहुत आसान है, अम्मी और अबू अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, होम स्कूलिंग का कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, शऊर वाले हों या नहीं हों, ये होम स्कूलिंग का ताल्लुक है. अच्छा हम मेरे ख्याल से कंक्लूड करते हैं. अच्छा नादिया नासिर, आप काइंडली अपना सवाल कर लें, हम इसके बाद कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह. जी मेरा सवाल ये है कि डोपामिन का कैसे मतलब इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसको कैसे डील किया जाए. जैसे सपोज कोई आपकी तारीफ करता है तो एक फीलिंग जो आती है आपको, एक खुशी की, या आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, तो उसको कैसे कैसे उस पे तारीफ पे रिएक्ट किया जाए, किस तरीके से. कोई इसका सादा सा आसान सा फॉर्मूला है कोई? या मना करें लोगों को, सबसे आसान फॉर्मूला साहब अगर इस तरह नहीं तो नहीं किया जा सकता ना. थोड़ा हम ये भी सोचते हैं फिर कि रूड ना लगे. एक तो चीज अपने वो आपको ये तारीफ कर रहे हो कि यार ना करो मेरी तारीफ, ये क्या तरीके. नहीं नहीं ऐसे आपने इतनी बदतमीजी से मना मत करके, आपने भी ऐसा कोई एक मिसाल दिया जिसमें आपने जो खातून का नाम मुझे नहीं याद तो या बताया नहीं आपने, तो जिन्होंने अभी पूछा है ना सवाल, मैं उनको बता दूं आपको. नादिया ने पूछा था. नादिया आपने मना करना है कि ये मेरे अंदर किबर पैदा हो रहा है, आप भी अब इस बारे में सोचें. मैं भी सोचती हूँ, सोचने पे तो मजबूर कर सकती ना. मना तो मना करने के सौ तरीके. एक वकास ने भी बताया और एक मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मुझे नादिया भी ये सवाल करते हैं, साहिल साहब क्या बात है, आपकी बात मेरे दिल में उतर जाती है, मैं जो कहेंगे आप बस आप ही हैं दुनिया में जिसकी मैं लेक्चर सुनती हूँ, उससे मेरे अंदर दीन को फरोग मिलना था या मेरा दीन को नुकसान होना. कॉमन सेंस की बात है, नुकसान होना था ना. So, understand... तो आप कैसे
इसको कैसे आप कैसे हैंडल करते हैं, मतलब तो आपकी तो बहुत तारीफ होती है और होती होगी, और तो फिर आप कैसे इसको काउंटर करते हैं, कैसे मना करके कैसे मत किया करें, और फिर बताना पड़ता है ना सबको। अब मेरे तो मुझे तो लोग कहते ही डोपामीन है इतना ज्यादा लेक्चर सुन लिया लोगों ने, तो मेरे लिए काफी आसानी हो जाती है ये बात बताने में कि तारीफ मत करो, डोपामीन है तो उससे किबर किबर आता है अपने अंदर की, और ना सिर्फ किबर आता है, मैं किबर के नुकसान जो है ना वो भी तो पता होने चाहिए। मैं अपनी तारीफ का अगर भूखा हो जाऊँ ना तो मेरे से ज्यादा पस्त आदमी कोई नहीं होगा। जो शख्स अपनी तारीफ का भूखा होता है वो इस्लाम से तो उसका क्या लेना देना, उसको तो वो तो अपने दीन के ऊपर है, उसने तो अपना एक दीन बनाया है, उसको अपनी तारीफ चाहिए। तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये है। और चूंकि अल्लाह ताला ने अपने तमाम तर मामलात की मैनिफेस्टेशन नबी अलैहिस्सलाम से करवाई तो इसलिए उनकी तारीफ करना सबसे जरूरी हो, और ना नीचे उम्मत तक साइकोलॉजी क्लियर ही नहीं होनी थी कि व्हाई दिस मैन, अल्लाह मुसल्ली अला मुहम्मद। साहिल भाई बस हमने अब ये आखिरी एक क्वेश्चन बहुत बार पॉप अप हो रहा है, मैं फिर पूछ रहा हूँ सर, प्लीज लेट मी नो इफ पेरेंट्स आर एथियस्ट व्हाट किड्स शुड डू एंड हाउ किड्स विल बिकम राइटियस किड्स। प्रीच टू देम, दे हैव द फर्स्ट राइट ओवर जन्नत। बच्चों ने अगर माँ बाप को नहीं दीन पे लाए तो फिर दुनिया को क्या करने है, दीन पे लेके आने चले हैं वो। सबसे पहले अपने माँ बाप को दीन के पैगाम पहुंचाए और मेक श्योर पैरों में बैठ के बेशक तरले करने पड़े, मिन्नतें करें कि सुने वो, मिन्नतें करके इस्लाम पे नहीं आएगा कोई कि सुने वो, मतलब बेशक सजाएं पाए, बेशक मार पड़े आपको रोज माँ बाप से, उनको दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया में नहीं सॉरी आखिरत का सबसे बड़ा जो अजाब है ना वो दोजख में जलना नहीं है। आप सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है, मेरे बच्चे और मेरी माँ बाप को दोजख में मेरे सामने जलाया जाए ज्यादा बड़ा अजाब है या मुझे जलाया जाए, सोचे जरा, बचाए अपने माँ बाप और बच्चों को। जज़ाकअल्लाह खैर साहिल भाई, और जज़ाकअल्लाह खैर यूट्यूब पे हमारे पार्टिसिपेंट्स और जूम पे, अल्लाह आप सबको जज़ा दे, और होपफुली आपके मैं हम और माजरत जाएंगे, बहुत से क्वेश्चंस अभी भी हम मिस कर दिए हैं, बड़ी कोशिश की हमने ट्राई करने की, इंशाल्लाह हमने फिल्टर कर लिए हैं और जो क्वेश्चंस भी मिस हुए हैं वो इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे, एड्रेस करेंगे। अच्छा साहिल भाई इस बार हमने हमने एक पोल किया था, मैंने जो है पूरे सेशन के दौरान, तो एक तो मैंने सेशन टाइम पूछा था, सेशन पोल किया या के और भी ममालिक के लोग, सर मैंने जेनेरिक किया, जो जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ था जहां से भी मैंने उन सब से पूछा, पाकिस्तान टाइम पूछा तो सारे, एक तो फ्राइडे काफी बायस होगा पाकिस्तान के टाइम पे आएगा वो डेटा। हां नहीं मेरा ये हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत से यूएस वगैरह से भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन एक हमें क्वेश्चन पूछा था, एक आइडिया तो हो गया ना कि ज्यादा ऑडियंस जो है वो बेल कर्व कहां बन रहा हमारा, और दूसरा मैंने जो नहीं लिखा है कि पाकिस्तान टाइम की बात किया तो ज्यादातर लोगों ने, अब जैसे सऊदीया से बहुत ज्यादा लोग हैं, यूएस से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन सब लोगों ने 9 to 10 का एक तो टाइम का है सबसे ज्यादा वोट्स किया, और दूसरा फ्राइडे को जो आज का दिन है ना, फ्राइडे को मेजॉरिटी वोट्स है, हम वहां पे एंगेज करते हैं ना, व्हाट्सएप का ग्रुप सबको पता है, ये आप बता दीजिए व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जी, एक ग्रुप थोड़ी है आपके पास जी। ठीक है तो अब हम क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग 9 बजे सेशन करेंगे, और होपफुली ये हर वीक पे हम 9 बजे किया करेंगे, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर फ्राइडे को, और जो अदर सेशन है वो फिर अलग दिनों में कर देते हैं हम, जो कि थीम सेशन, जो थीम सेशन है वो अलग दिनों में कर देंगे, और उसको भी जैसे कहते हैं हम यूट्यूब पे उसको अनाउंस कर देंगे, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप सब लोग ज्वाइन करें, उसमें हम लोग अपनी सारी न्यूज एंड अपडेट साथ साथ देते जाएंगे, ठीक है, थैंक यू, और वहां पे क्वेश्चन आंसर हम लाइव भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन सॉरी, ठीक है मैंने क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस आप लोग उधर, जो हम एडमिन है तंजील और वकास, हम दोनों एडमिन है, तो आप उधर जो भी क्वेश्चंस है और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम वो वाके आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकअल्लाह खैर।